तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार आप सबका फिर से। और मुझे लगता है कि काफी बेसब्री से इंतजार चल रहा था कि आखिर मेजर कल्सी क्लासेस कब आपके लिए वो विशेष मॉडल पेपर्स लेके आ रहा। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए देश के सबसे ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म पे, तैयार हो जाइए देश के सबसे ऑथेंटिक मॉडल पेपर के लिए। मैं जानता हूं कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे आप स्टडीज कर रहे हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे आप गाइडलाइंस ले रहे हैं, बट मैं कहना चाहता हूं कि इस एग्जाम को श्योर शॉट क्वालिफाई करना है तो जरूर से जरूर इन मॉडल पेपर्स की प्रैक्टिस करिएगा जो लगातार आपके एग्जाम के लिए हम रिलीज करेंगे। और मैं कहना चाहता हूं कि ऑफलाइन प्रोग्राम में भी हम तेजी के साथ यार ओपन हो गए। 1 जुलाई में देश में सबसे पहले आगाज हमने किया है एक नए जज्बे, एक नए जुनून के साथ, केवल एक उद्देश्य से कि अब कोई भी बच्चा बिना वर्दी के नहीं रहेगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि मॉडल पेपर की सीरीज आपकी स्टार्ट हो चुकी है बच्चा, बिना टाइम वेस्ट के जम के इसको लगी। इसको मैं कहूंगा ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए, क्योंकि मैं चाहता हूं जितना भी हमारा जेंटल एयरमैन कैडेट बनने वाला इस देश का बच्चा, जो हमारा एयरफोर्स का एस्पिरेंट है, उसको एक प्रेरणा जानी चाहिए, उससे तक यह पहुंचना चाहिए कि आखिर सटीक और बिल्कुल अप टू द मार्क क्वेश्चन कलेक्शन का मतलब क्या होता है। और वाकई में अगर आपने लगातार इन मॉडल पेपर की प्रैक्टिस कर ली, जो कि लगातार आपको 1 डे के अंतराल पे आएंगे, जो टीम पूरी स्टडी करेगी और आपके सामने मॉडल पेपर परोसे जाएंगे, पूरे पूरे मॉडल पेपर रहेंगे, सुबह अर्ली मॉर्निंग 7 बजे डेली ये पेपर आपके सामने होगा। बिल्कुल सुबह उठते ही सबसे पहला काम बच्चा यही करना है कि मॉडल पेपर्स के सारे क्वेश्चंस को लगाना है और एक बेहतर नोट्स बनाना है और फाइनली एयरफोर्स वाले एग्जाम में अपनी सफलता को सुनिश्चित करके दिखाना है। थैंक यू सो मच और बिल्कुल शुरू करते हैं मॉडल पेपर। थैंक यू। जय हिंद बच्चों, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल, फिर से मैं आपके सामने मौजूद हूं इंग्लिश का एक मॉडल पेपर लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 जुलाई से लगातार सुबह 7 बजे आपको हमारा मॉडल पेपर मिल जाता है। हालांकि कभी कभी ये सुबह 7 बजे नहीं हो पाता तो शाम तक चला जाता है, लेकिन पर डे का मॉडल पेपर आपको मिलता है। कभी एक्स एंड वाई का कंबाइंड है, कभी केवल वाई का है, कभी केवल एक्स का है, लेकिन इंग्लिश डेली है, क्योंकि एक्स में भी है, वाई में भी है। यहां तक कि एयरफोर्स वाले बच्चे अगर चाहें तो नेवी का मॉडल पेपर भी देख सकते हैं। सेम सिलेबस, सवालों की डिफिकल्टी का लगभग लगभग सेम लेवल। अब चलिए आते हैं आज के मॉडल पेपर पे। पहले 5 सवाल आपके सामने हैं फिल इन द ब्लैंक्स के। पार्ट्स ऑफ स्पीच के सवालों में से सबसे ज्यादा फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं आपके एयरफोर्स एग्जाम में। पहला क्वेश्चन है, थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, तो यहां आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा ऑप्शन नंबर सी, द थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। क्योंकि वैसे भी याद रखिए कि नाउन ऑफ नाउन अगर कहीं होता है तो हम वहां डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। यह हुआ पहला क्वेश्चन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब दें कि वेट फॉर मी, इंतजार कीजिए मेरा, बिटवीन 5 AM-7 AM। अब आपको यहां याद रखना है बिटवीन के बाद हमेशा यूज किया जाता है एंड, मतलब सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर हुआ सी एज इन कैलकटा, थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। 5 सवाल करने के बाद आप लोग मैसेज करके बताएंगे कि आपके कितने सवाल 5 में से सही हुए। मुंबई इज डैश फ्रॉम दिल्ली। मुंबई जो है वो दिल्ली से खाली स्थान है, तो मुंबई दिल्ली से बिसाइड तो हो नहीं सकती, जाहिर सी बात है। फार्दर ये कंपैरेटिव डिग्री है, ये भी नहीं लगेगी, बिसाइड्स के बाद फ्रॉम नहीं लगता। ले देकर हमारा विकल्प बचा फार। क्वेश्चन बना मुंबई इज फार फ्रॉम दिल्ली। पिछले मॉडल पेपर्स के दौरान जैसा कि कुछ बच्चों के मैसेजेस आए कि जी क्वेश्चंस बड़े इजी हो रहे हैं, तो बच्चों ख्याल रखिए हम कंपटीशन के हिसाब से मॉडल पेपर बना रहे हैं। ये जो मॉडल पेपर है ये केवल एयरफोर्स के एक्स वाई या नेवी के लेवल के एग्जाम के लिए है, लिहाजा इन क्वेश्चंस का लेवल यही होता है। हमारे मॉडल पेपर एक प्रॉपर रिसर्च के बाद आपके सामने आते हैं। यदि इन मॉडल पेपर्स को आप अच्छे से सोल्व कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, लिख कर रख लीजिए, सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने डिस्प्ले पर मौजूद है। आई विल अबाइड, फिक्स प्रीपोजिशन का सवाल अक्सर पूछा जाता है। अब से पहले भी मैंने जिक्र किया है अबाइड के साथ बाय का यूज किया जाएगा। आप ही लोगों ने बताया है, जो बच्चे अब से पहले एग्जाम दिए हैं उन्होंने बताया है कि अबाइड अब से पहले कई बार एग्जाम में पूछा गया है, उसी के आधार पर यह सवाल आपको रिपीट करके दिया गया।
जो अगला क्वेश्चन है तो ग्रामर का लेकिन होगा कॉमन सेंस से। इट इज एज सॉफ्ट एज वॉट? बटर, मक्खन, ग्रास, घास, डस्ट, धूल, लेदर, चमड़ा। किसकी तरह सॉफ्ट होगा? जाहिर सी बात है मक्खन की तरह सॉफ्ट होगा। पांचवें का ए फोर एप्पल। अब आप मैसेज करके बताएं इन पांच में से कितने सवाल सही हुए, और अगर कोई भी डाउट आपके पास है फील फ्री टू आस्क। एकदम महसूस कीजिए आसानी से, पूरी आजादी से, कोई डाउट आप हमसे पूछेंगे तो उसका हम पूरा जवाब आपको देंगे आपके मैसेज के जवाब में। आगे चलते हैं बच्चों स्पॉटिंग एरर के सवालों पर, और स्पॉटिंग एरर का जो हमारे पास सवाल है ये है क्वेश्चन नंबर 6। सवाल आपके सामने बोर्ड पर मौजूद है, आप मैसेज करके इसका आंसर दें तब मैं आपको आंसर बताता हूं। देखिए, शी हैज नेवर गॉट सम अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी की स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गई है, इसको ध्यान दें, ये ए से नहीं ओ से शुरू होगा। तो शी हैज नेवर गॉट सम अपॉर्चुनिटी टू सिंग, उसे कभी नहीं मिली कोई अपॉर्चुनिटी गाने की। मोस्ट प्रोबेबली अब तक आप समझ चुके होंगे कि जी जो गलती है सवाल में वो सम गलत है। ये जो सम लगा है बी फोर बॉम्बे पार्ट में, यही हमारा जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सेट होगा बी एज इन बॉम्बे, क्योंकि सम का इस्तेमाल अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, दिया गया सेंटेंस नेगेटिव है, लिहाजा क्वेश्चन नंबर 6 का बी फोर बॉम्बे। 7वां क्वेश्चन बताओ बच्चों, कैन यू टेल मी व्हेन द राजधानी एक्सप्रेस अराइव्स। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि राजधानी ट्रेन कब आती है? डी फोर दिल्ली, नो एरर, ये सवाल ऑलरेडी सही है, कहीं कोई किसी प्रकार की गलती सेंटेंस में नहीं है, लिहाजा आगे बढ़ते हैं। वोकैबुलरी के सवालों पर आते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं आपके एयरफोर्स के एग्जाम में वोकैबुलरी की एक अलग ही महत्व है। 20 सवालों में से 5-6-7 सवाल आपको वोकैबुलरी पर मिलते हैं। पहला सवाल है मिस स्पेल्ट वर्ड का, यहां 4 वर्ड लिखे हैं, एक की स्पेलिंग गलत है, आपको बताना है किसकी स्पेलिंग गलत है। शाबाश, नजर पड़ते ही आप बताएंगे कि जी ब्रेव माने बहादुर की जो स्पेलिंग होती है वो ये होती है, यहां ए लगेगा, ये ब्रेव होगा, ना कि और कोई स्पेलिंग गलत है। सेकेंड वर्ड कॉन्टेंशन, कॉन्टेंशन अपने आप में बिल्कुल सही स्पेलिंग है, ऑथेंटिक सही है, रिसिप्ट सही है, ये सारे वर्ड सही हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर। अब क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है एक्टिव पैसिव का, आपको सेंटेंस की एक्टिव दी गई है, आपको उसका पैसिव बनाना है। सेंटेंस है आई एम लुकिंग फॉर हर, मैं उसे खोज रहा हूं, तो इस सेंटेंस का जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे हम हर को शी में चेंज करेंगे, शी से शुरुआत करेंगे, लुकिंग है मतलब एम लुकिंग है, शी के हिसाब से इज लग गया, अब इज बीइंग लुक्ड होना चाहिए, लिहाजा ये गलत हो गया, बीइंग नहीं है, अभी ये सही लग रहा है। तीसरा भी गलत हो गया, बीइंग नहीं है, शी इज बीइंग लुक्ड बाय मी, ये भी सही हो सकता है, लेकिन इसमें लुक्ड फॉर नहीं है, ये भी गलत हो गया। क्या हमारे पास विकल्प बचा? 9th का बी फोर बॉम्बे। एक्टिव पैसिव को बहुत ध्यान से पढ़ लेना चाहिए एयरफोर्स के एग्जाम में जाने से पहले, एक्टिव पैसिव को भी और नरेशन को भी। ये नरेशन का सवाल है क्योंकि ये दोनों ही आसान क्वेश्चंस होते हैं, और पूरी संभावना है कि आपको कम से कम 3 सवाल एक्टिव पैसिव या तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन दोनों चैप्टर्स के मिलाकर मिलते हैं, लिहाजा इस सवाल पर ध्यान दें। क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर है, शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, व्हाट डू यू वांट, आखिर आप चाहते क्या हैं। अब पहली बात तो यह है कि सेड टू को आप किस में बदलेंगे, अंदर एक पूछने वाली बात है, तो टोल्ड में तो भाई बदल नहीं सकते, आस्क्ड ही में बदलेंगे, इसके लिहाज से आंसर सी हमारा परफेक्ट हो गया, बाकी सब गलत हो गए। यह हुआ क्वेश्चन नंबर 10। आओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, फिर से वोक्यूबुलरी की एक झलक, सिनोनिम मतलब कि पर्यायवाची का सवाल आपके सामने बोर्ड पर। शब्द है पैराडाइज, जिसका मतलब होता है जन्नत, स्वर्ग, पैराडाइज मतलब जन्नत, इसका पर्यायवाची क्या होगा? हेवन होगा। भाई पेनाशिया, ये तो रामबाण औषधि, हर बीमारी की दवा, हेल
माने जहन्नुम नरक, अर्थ माने ये पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं। लिहाजा पैराडाइज का सिनोनिम बैठा हेवन माने स्वर्ग। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 12, एंटोनिम का सवाल आपको बताना है। कंपेजियोनेट, कंपेजियोनेट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो थोड़ा नेक दिल हो, दयालु हृदय का हो, दूसरे की भावनाओं की कद्र कर सकता हो, समझ सकता हो। ह्यूमेन तो मानवीय हो गया, बेनेवोलेंट लाभ प्राप्त हो गया, काइंड दयालु हो गया। क्या आंसर बचा हमारे पास? क्रूवल, 12वें का C4 कैलकटा, क्योंकि एंटोनिम का सवाल था। उसके बाद एक आपको बताना है, अपने पास अगला क्वेश्चन ये एंटोनिम का था। फिर बाय वर्ड ऑफ माउथ, ये एक तरीके से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछने का तरीका हुआ। 13 क्वेश्चन है बाय वर्ड ऑफ माउथ, कि मुंह से निकले शब्द उसको एक शब्द में कहना हो तो क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा भाई ओरली। रिटन मतलब लिखित, फुलिशली मतलब मूर्खता से, स्वीटली एडवर्ब है जो स्वीट से बना है, स्वीट का मतलब मीठा, लेकिन स्वीटली का मतलब धीरे धीरे होता है। लिहाजा 13 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए बच्चों। आगे चलते हैं, और आगे चलते चलते हम आए वन हु स्टडीज इंसेक्ट लाइफ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक और सवाल। एक ऐसा व्यक्ति जो कीड़ों की जिंदगी का अध्ययन करता है, कीट शास्त्री, उसे वन वर्ड में क्या कहेंगे? पहला विकल्प जूलॉजिस्ट, जीव विज्ञानी, ये नहीं होगा। एटिमोलॉजिस्ट, भाषा विज्ञानी, ये भी नहीं होगा। एंटोमोलॉजिस्ट, यही होगा। इसी का मतलब होता है कीट शास्त्री, जो कीट पतंगे मच्छर मक्खी इन सब का अध्ययन करता है, उसे कहते हैं एंटोमोलॉजिस्ट। ओरोलॉजिस्ट, यह भी नहीं होगा। ओरोलॉजिस्ट का मतलब मुंह से संबंधित चीजों को देखने वाला। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। द नाउन फॉर्म ऑफ द डिटेक्ट, ये एक अच्छा सवाल है, क्योंकि इसके जो दो विकल्प हैं ये थोड़े से कंफ्यूजिंग हैं, आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो नाउन फॉर्म आपको बतानी है शब्द डिटेक्टर की, देखिए पहला तो हो गया डिक्टेटर या डिटेक्टिव। अब डिक्टेटर माने तो तानाशाह हो गया, कोई मतलब ही नहीं। डिटेक्टली इसका एडजेक्टिव हो गया। अब डिटेक्टिव भी नाउन है, डिटेक्शन भी नाउन है, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। डिटेक्ट मतलब ढूंढना, तो डिटेक्टिव ढूंढने वाला, डिटेक्शन खोज, तो यहां पर ये आपका आंसर होगा, डिटेक्शन होगा। डिटेक्टिव वर्ड डिटेक्ट से बना है, लेकिन किसी वर्ब की नाउन वो होती है जो एक प्रोसेस का नाम हो। अगर कोई ऐसी वर्ब है जिसका डूअर हमको चाहिए तो डूअर वो उसकी नाउन हो सकती है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है आपका रीअरेंजमेंट का सवाल। रीअरेंजमेंट के सवाल में 4 सेंटेंस के टुकड़े आपको दिए गए हैं, उन सबको जोड़ के आपको एक सेंटेंस बनाना है। ध्यान से देखिए, पहला टुकड़ा है हु इज, दूसरा है द प्लेयर, तीसरा है इज एम एस धोनी प्लेइंग क्रिकेट। अब कहीं कोई व्यक्ति क्रिकेट खेल रहा है तो हमने कहा द प्लेयर, हु इज प्लेइंग क्रिकेट इज एम एस धोनी। सबसे पहले सेंटेंस का कर्ता होना चाहिए, कर्ता या तो हुइज से होता या तो द प्लेयर से होता, इन्हीं में से किसी एक से होता। हुइज से लगाने से सेंटेंस ही नहीं बैठेगा, और द प्लेयर से लगाने से सेंटेंस आपका बैठ जाएगा। तो क्यू हो गया, क्यू के बाद पी हो गया, क्यू पी, क्यू पी के बाद एस हो गया, तो क्यू पी एस, मतलब विकल्प हुआ बी फॉर बॉम्बे। 16वें सवाल का जवाब बी एज इन बॉम्बे। इसके बाद हमेशा की तरह अंतिम 4 क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सवाल को करने के लिए पहले वीडियो को पॉज करके पैसेज पढ़िएगा, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन का सवाल सोल्व करिएगा। पहले इतना पैसेज पढ़ लीजिए पॉज करके, यूजिंग ए तक पॉज किया, पढ़ा, उसके बाद इसको ऊपर बढ़ा देते हैं। यूजिंग ए तक आपने पहले पढ़ लिया था, अब इतना पढ़ लीजिए, यहां पॉज कीजिए, पढ़िए, फिर हमारे सामने सवाल आएंगे जिनके हम जवाब ढूंढेंगे। ये आप पॉज करके आपको पढ़ना है। अब आपको पैसेज मैं पढ़ा देता हूं। देखिए जी, यूजिंग मॉडर्न कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, आधुनिक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यूज करते समय जो वैज्ञानिक होते हैं उन्होंने रीस्टोर किया है, संग्रह किया है, पार्ट ऑफ अ फॉसिल ऑफ अ रेट डायनासोर।
एक पार्ट है किसी फॉसिल, फॉसिल माने जीवाश्म, ये एक डायनासोर है दैट लिव्ड मोर देन 90 मिलियन ईयर्स एगो। भैया 90 मिलियन, 1 मिलियन माने 10 लाख, तो 90 मिलियन माने 10 लाख गुणा 90, इतने साल पहले ये डायनासोर रहा था। ड्यूरिंग द क्रिटेस्कोस पीरियड, इस पीरियड का नाम है, इन वॉट इज नाउ मोगोलिया, उस जगह पर रहा था जिस जगह का नाम वर्तमान में मोगोलिया है। द फोकस ऑफ द स्टडी वॉज द स्कल ऑफ द एरिलोकोसोरस। इस स्टडी का जो फोकस था वो इस बात पर था कि एक डायनासोर जिसका नाम दिया है एरिलोकोसोरस, उसकी जो खोपड़ी थी उस पर स्टडी हो रही थी। एंड अड्यूसाई अ 10-13 फुट हर्बीवोरस डायनासोर कॉल्ड द राइजोनोसोरस, उसका भी नाम दिया है। एक तो ये था, उसके बाद एक 10-13 फुट का हर्बीवोरस माने शाकाहारी डायनासोर जिसका नाम था द राइजोनोसोर, ये भी डायनासोर की प्रजाति का नाम हो गया। अब यूजिंग अ डिजिटल मॉडल ऑफ द फोसिल, इस जीवाश्म के डिजिटल मॉडल जो कंप्यूटर पे दिखाई देता है, जैसे आप डिजिटल मॉडल पेपर सोल्व कर रहे हैं, जो टीम है वर्चुअली डिसेम्बल्ड, उन्होंने कंप्यूटर की स्क्रीन पर डिसेम्बल किया स्कल को, खोपड़ी को इस डायनासोर की जिसका नाम है एरिलोकोसोरस, इंटू इट्स इंडिविजुअल एलिमेंट्स, उसके अलग अलग तत्वों में, तो उन्होंने डिजिटली फिल्ड इन एनी ब्रेकफास्ट एंड क्रैक्स इन द बोन्स। तो भाई यहां पर फिर से पॉज करके पढ़िएगा, पैसेज बड़ा है। ब्रेक्स एंड क्रैक्स इन द बोन्स, उसकी हड्डियों में जो थोड़ा भी क्रेक आया या टूटा उसको डिजिटली भरा। डुप्लीकेटेड मिसिंग एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स खो गए थे उनको डुप्लीकेट कर दिया। रिमूव्ड डिफॉर्मेशन, जो डिफॉर्मेशन हुआ माने बनाते समय जो लेयर्स वगैरह बन गई उनको हटा दिया, क्या करके, रेट्रो डिफॉर्मेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके। डिजिटली रिवर्सिंग द स्टेप्स ऑफ डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन के स्टेप्स को रिवर्स किया। फाइनल स्टेप में क्या हुआ, रिकंस्ट्रक्टेड एलिमेंट्स वर रीअसेंबल्ड, जो पुनर्निर्माण वाले तत्व थे रीअसेंबल हो गए, फिर से इकट्ठा हो गए। दिस अप्रोच नॉट ओनली अलाउड द रिस्टोरेशन, इस अप्रोच ने ना केवल अलाउड कर दिया, परमिशन दे दी रेस्टोरेशन, पुनर्संग्रहण ऑफ द कंप्लीटेड स्कल ऑफ द एरिलोकोसोरस, इस डायनासोर की पूरी खोपड़ी को, बट ऑल्सो द स्टडी ऑफ इट्स इंडिविजुअल एलिमेंट्स, लेकिन उसके अलग अलग एलिमेंट्स का भी पता चला। विद मॉडर्न कंप्यूटर टेक्नोलॉजी सच एज सीटी स्कैनिंग, ऐसी आधुनिक तकनीकें जैसा कि सीटी स्कैन, नाम आपने सुना ही होगा, और डिजिटल विजुअलाइजेशन, आभासी प्रतिबिंब बनाना, वी नाउ हैव पावरफुल टूल्स एट आवर डिस्पोजल, अब हमारे पास शक्तिशाली उपकरण हैं जिनको हम डिस्पोजल पे रखते हैं, यूज करके फेंक देते हैं। विथ विच वी कैन गेट अ स्टेप क्लोजर टू रिस्टोर फोसिल एनिमल्स, हम एक कदम और नजदीक चले गए हैं जो जीवाश्म एनिमल हैं उनकी लाइफ लाइक कंडीशन को फिर से बनाने में, ऐसा कहा लेखक स्टीफन लॉन्टस्केल्चर्स ने फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल इन ब्रिटेन। अब पहला सवाल कॉम्प्रिहेंशन का, वैज्ञानिक ने फोकस किया स्टडी ऑफ, टेल पढ़ी, स्कल पढ़ी, लेग पढ़ी या बोन्स पढ़ी, तो भाई स्कल पढ़ी। पैसेज में बहुत बार यह बात कही गई कि फोकस किस पर हुआ, स्कल पर हुआ। इसके बाद 18वां क्वेश्चन, टीम ने अप्लाई क्या किया, डिफॉर्मेशन टेक्निक, रेट्रोफॉर्मेशन, फॉर्मेशन टेक्निक, रेट्रो डिफॉर्मेशन टेक्निक, तो टीम ने अप्लाई किया जी डिफॉर्मेशन टेक्निक, ये भी ऊपर मेंशन है ऑलरेडी। उसके बाद 19वां क्वेश्चन, 19वां है कि द मेन इंटेंशन ऑफ द स्टीफन लॉन्टस्केल्चर्स, ये जो वैज्ञानिक था इसका जो मुख्य इरादा था वो क्या था, रेस्टोरेशन ऑफ फॉसिलाइज्ड एनिमल्स टू लाइफ, रिस्टोरेशन की हम पुनर्संग्रहण कर लें फॉसिलाइज्ड एनिमल्स, वो जीवन उनका लौट आए, मतलब डायनासोरों को जीवित कर दिया जाए। टू स्टडी डायनासोर्स, उनकी पढ़ाई करना। डेवलपमेंट ऑफ पावरफुल टूल्स, शक्तिशाली उपकरणों को बनाना। प्रोजेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, मतलब पूरे कॉम्प्रिहेंशन के इस पैसेज में राइटर कर क्या रहा है, वो स्टडी कर रहा है डायनासोर्स को, उसी की स्टडी के लिए तो तमाम काम किया। उसके बाद
क्वेश्चन नंबर 20 इस मॉडल पेपर का अंतिम सवाल यह है कि द डायनोसोरस एट ओनली हर्बीवोरस, वो पीछे दिया गया है कि वो हर्बीवोरस था। पैराग्राफ आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा वो हर्बीवोरस था, तो हर्बीवोरस के लिए यूज किया जाता है प्लांट्स, जो हर्ब्स को खाए प्लांट्स को खाए उसको कहते हैं हर्बीवोरस। पैराग्राफ में ये चीज ऑलरेडी मेंशन है। देखो जो मीट और प्लांट दोनों को खाए उसको कहते हैं ओमनिवोरस, कि वो दोनों चीजों को खा लेता है, और कार्निवोरस उसको कहते हैं जो केवल मीट खाता है मांस खाता है। तो यहां पर ये डायनासोर हर्बीवोरस था, ये इसकी शुरुआत में ही दिया गया है। पैराग्राफ पर आप आएंगे तो आपको ये बात पता लगेगी। यहां देखिए 10 से 13 फिट का हर्बीवोरस एरक्सोरस एंड्रूसी, इस डायनासोर की बात हो रही है, ये आपका हर्बीवोरस एनिमल है, ये बात पीछे पैराग्राफ में दी गई और यही बात हमसे पूछी गई। तो जी इसलिए ये क्या हुआ, ये हमारा प्लांट खाने वाला एनिमल बना। बच्चों आज के लिए इतना काफी है, मिलेंगे अगले मॉडल पेपर में। हेलो बच्चों, जय हिंद। प्यारे बच्चों आप सभी का स्वागत है मेजर खलसी क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। बच्चों आज हम लोग बात करेंगे अगले मॉडल पेपर की। जैसा कि आप हमेशा मॉडल पेपर देखते आ रहे हैं, तो बच्चों आज का जो मॉडल पेपर है यहाँ पर बेसिकली हम 15 क्वेश्चंस लाए हैं आपके एग्जाम के लिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं और मॉडल पेपर ये आपके लिए आपके एग्जाम के लिए बहुत बेहतर साबित हो सकता है। और बच्चों यहाँ जितने भी क्वेश्चंस रखे गए ऐसे क्वेश्चंस लाए हैं बच्चों जो आपके एग्जाम में हो सकते हैं। तो चलो बच्चों हम लोग वन बाई वन एक ही क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं और इनके क्वेश्चन के सॉल्यूशन में ही इनके कॉन्सेप्ट को भी समझते चलते हैं। अब जैसे बच्चों ये मान लो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया जो कि कोई डिकोडिंग का है। अब एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है और इस क्वेश्चन को आपको सेकंड में करना है, तो सेकंड में इस क्वेश्चन का हम जवाब कैसे करेंगे। देखो बच्चों सबसे पहले आप उस पर फोकस करो जो आपसे पूछा जा रहा है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि भाई एमबीपी का आंसर क्या होगा, एमबीपी का आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपसे पूछा जा रहा है। बच्चों हम जब देखेंगे ये वर्ड हमें कहीं मिल ही नहीं रहा है, क्या यहाँ पर है, नहीं है, यहाँ पर है, नहीं है, यहाँ पर है, नहीं है, बच्चों यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, कहीं नहीं है, हमें ये वर्ड ही नहीं मिला, नया वर्ड मिला। तो सबसे पहले हमें फोकस करना है जो हमसे पूछा जा रहा है। हमने देखा जो वर्ड हमें पूछा जा रहा है वो तो यहाँ है ही नहीं। तो बच्चों अब हम ऑप्शन पे आ जाएंगे। जैसे ही हम ऑप्शन पे आएंगे हमने देखा पहला ऑप्शन पिंक है, तो पिंक तो यहाँ पर है बच्चों, एक किसी ना किसी का कोड होगा, जो भी लेटर्स यहाँ पर लिखे गए हैं इनमें से किसी ना किसी का होगा। वैसे बच्चों कॉटन पे आए तो कॉटन भी मिल गया, तो कॉटन का भी कुछ ना कुछ कोड होगा यहाँ पर। ब्यूटीफुल है बच्चों, ब्यूटीफुल भी मिल गया हमें, ब्यूटीफुल भी मिल गया, तो इसका भी कुछ ना कुछ कोड होगा। लेकिन बच्चों क्या बटन आपको कहीं वर्ड मिला, बटन नहीं मिला, तो एमवीबी का जो नया वर्ड होगा बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, बटन। क्या हमें सवाल पूरा रीड करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। हाँ बच्चों हो सकता है कि आपसे किसी और का पूछे, जैसे मान लो आपसे पिंक का पूछ लेता, तो पिंक बच्चों यहां पर भी था, और पिंक अगर देखेंगे बच्चों तो पिंक क्या और कहीं है, पिंक और कहीं नहीं है। हाँ पिंक का भी आपने निकाल सकते थे, ड्रेस कॉमन था बच्चों, ड्रेस यहाँ भी था, ड्रेस यहाँ भी था, तो इन दोनों का आंसर आ जाता। देखो यहाँ पर एस के डब्ल्यू है और यहाँ भी एस के डब्ल्यू है, तो ड्रेस का बच्चों एस के डब्ल्यू होता। अब अगर आपसे पिंक का पूछता है तो पिंक का क्या होगा, यह तो एन आई पी होगा, यह तो यक्स टी क्यू होगा, इनका आंसर इधर केस में होगा, और यह तो आपको ऑप्शन में दिया रहेगा कैन नॉट डिफाइन, ज्ञात नहीं कर सकते। By the way, इस क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया था बच्चों एक नया वर्ड था जो कि यहाँ है ही नहीं, तो हमारा जो भी ऑप्शन में नया वर्ड दिया होगा वही इसका आंसर होगा, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। चलते हैं बच्चों हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन हम लोग का क्या हो सकता है। बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोग का है यहाँ पर इंग्लिश अल्फाबेट से, और देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सेकंड्स में सॉल्व करेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चंस को कम टाइम में करना ही बेहतर बड़ी बात है। बच्चों क्वेश्चंस आप कर लेंगे लेकिन आप कितने कम टाइम में कर पाते हैं ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। बच्चों यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को यदि विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी बच्चों जो हमारा फर्स्ट हाफ होगा उसको हम अपोजिट उसको हम विपरीत क्रम में लिखेंगे। इट मीन्स बच्चों अगर ए से यम तक की बात करें जो कि हमारा फर्स्ट अर्धांश है फर्स्ट हाफ है, इसको जब हम विपरीत क्रम में लिखेंगे तो हम स्टार्टिंग यम से करेंगे, यानी यम लिखेंगे, फिर एल लिखेंगे, फिर के लिखेंगे, फिर जे लिखेंगे, और ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे ए तक लिखेंगे।
लेकिन जो हमारा सेकेंड हाफ है, सेकेंड अर्धांश है, उसमें कुछ नहीं करना है, वहाँ स्टार्टिंग यन से होगी और जेड पे खत्म होगी, तो यन से स्टार्ट करेंगे और जेड पे ही खत्म करेंगे, वहाँ पर ऐसे ही करेंगे। तो बच्चों कह क्या रहा है, आपके दाएं से पंद्रहवें के दाएं चौथा कौन सा होगा? तो बच्चों यहाँ पर राइट वर्ड कितनी बार बोला गया, अगर हम दाएं की बात करें तो कितनी बार बोला गया बच्चों? दो बार बोला गया, राइट एंड राइट टू टाइम्स बोला गया। तो बच्चों ये वर्ड कैसा है आखिर, राइट राइट कैसा वर्ड है? सेम है बच्चों, ध्यान रखना जब भी आपको सेम साइड्स मिल जाए ना तो बस आप लेस कर देना, एक फार्मूला बन गया, सेम रहे तो क्या करना है, लेस करना है, सेम रहे तो क्या करना है बच्चों, लेस करना है, यानी 15 में से 4 माइनस करेंगे 11 आएगा। अब हम राइट साइड से 11 काउंट कर लेंगे, जो भी होगा आंसर होगा। और आपको पता है जो फर्स्ट हाफ था सिर्फ आप उसी को कन्वर्ट कर रहे हैं, सेकेंड में कोई चेंजेस नहीं आएगा, और सेकेंड हाफ में भी 13 लेटर्स हैं और हमें 11 चाहिए, हमें 11 चाहिए, तो 11 नंबर पर कौन सा आ जाएगा बच्चों? पी आ जाएगा, क्योंकि 2 हमें छोड़ देना है, 11 पे पी आ जाएगा। यदि आप काउंट करना भी चाहें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो बच्चों 11 पे क्या आ गया? पी आ गया। और आप चाहते हैं कि आपको काउंट ही ना करना पड़े और आपका आंसर आ जाए, तो बच्चों क्या करना है, तो 27 में से आपको 11 माइनस कर देना है, 16 आ जाएगा, जिसका प्लेस वैल्यू पी होता है, और आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। तो चलते हैं बच्चों अभी थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। आप देख रहे हैं इन क्वेश्चन को हम कैसे सेकंड्स में सॉल्व कर पा रहे हैं, कुछ इसी तरीके से बच्चों यदि हम एग्जाम में करें तो एग्जाम में बहुत बेहतर कर सकते हैं। बच्चों थर्ड क्वेश्चन है जो कि नंबर सीरीज से है, आप सभी को पता है नंबर सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इनके क्वेश्चन लगभग एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बहुत कम टाइम में करेंगे। बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं 61 है, यानी 61 है, 61 से 60 हो गया तो 1 माइनस हो गया, और 60 से बच्चों क्या करेंगे, अगर 1 माइनस करेंगे तो 59 आएगा, और यही सीक्वेंस यहाँ चल रहा है, क्योंकि 72 में बच्चों 1 प्लस होगा तो 73 आ जाएगा, 73 में 1 प्लस होगा तो 74 आ जाएगा, वैसे ही बच्चों अगर 61 में 1 माइनस करेंगे, 61 में 1 माइनस करेंगे तो 60 आएगा, और 60 में 1 माइनस करेंगे तो 59 आएगा, जो कि हमारा ए ऑप्शन में आंसर है। बच्चों आपको लग रहा होगा क्वेश्चन आसान है, यस आसान है बच्चों, मैं भी कह रहा हूँ आसान है, लेकिन बच्चों यही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, एक प्रेशर होता है, एक माइंड का प्रेशर होता है, जिसकी वजह से चीज़ें जो हो भी रही होती हैं वो भी थोड़ी सी लेट में समझ में आती हैं। तो लेकिन जब आप ऐसे मॉडल पेपर खूब अच्छे से प्रैक्टिस किए रहेंगे और घर पर अभ्यास किए रहेंगे तो इन सवालों को भी आप बहुत कम टाइम में बेहतर से अच्छे से कर पाएंगे और बच्चों आगे बढ़ जाएंगे, जो आपका समय बचेगा उन क्वेश्चनों पर लगा पाएंगे जो क्वेश्चन आपके डिफिकल्ट हैं। बच्चों देखो फोर नंबर क्वेश्चन है जो कि हम लोग का अगला सवाल है, देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। बच्चों इस क्वेश्चन को अगर आपको फास्ट सॉल्व करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी लेटर्स होते हैं ए से लेकर जेड तक सबका आपको प्लेस वैल्यू अच्छे से याद होना चाहिए। यदि आपको प्लेस वैल्यू याद है तो आप इन क्वेश्चनों को बहुत ही कम समय में कर पाएंगे। जैसे आप देखिए बच्चों जैसे टी की अगर प्लेस वैल्यू की बात करें तो 20 होता है और एक्स का 24 होता है, तो 20 से 24 हुआ तो कितना प्लस हुआ? 4 प्लस हुआ। ऐसे ही अगर हम बात करेंगे बच्चों यस का 19 होता है और W हो गया तो कितना प्लस हुआ बच्चों? 4 ही प्लस हुआ। यस का 19, W का 23 तो 4 ही प्लस हुआ। अगर क्यों की बात करेंगे बच्चों, क्यों का 17 होता है और U का 21 होता है तो बच्चों कितना प्लस हुआ? 4 ही प्लस हुआ। आर का बच्चों 18 होता है, 18 से 22 हो गया तो कितना प्लस हुआ? 4 ही प्लस हुआ। बच्चों आप देख रहे हैं जितने भी लेटर्स हैं, टी है, 20 है, यस का 19 है, क्यू का 17 है, आर का 18 है, और यहाँ पर बच्चों 4 प्लस होने के बाद 24, 23, 21 एंड 22 आ रहा है। तो सिमिलरली बच्चों यही वर्क हमें अगले में कर देना जो हमें पूछा जा रहा है। जैसे ए का प्लेस वैल्यू बच्चों होता है यहाँ पर 5, अगर हम 5 में 4 प्लस करेंगे तो बच्चों 9 आएगा, और वैसे ही बच्चों अगर हमें पता है डी है, डी में अगर हम 4 प्लस करेंगे बच्चों, डी का प्लेस वैल्यू 4 होता है, 4 में 4 प्लस करेंगे बच्चों 8 आएगा, यानी एच होगा, और बी का बच्चों प्लेस वैल्यू 2 होता है, 2 में 4 प्लस करेंगे 6 होगा, दैट मीन्स बच्चों एफ होगा, और सी की बात करेंगे तो 3 होगा, और 3 में 4 प्लस करेंगे तो 7 होगा, जो कि जी होगा। बच्चों किस ऑप्शन में मिल रहा है? आई एच एफ जी, आई एच एफ जी, आई एच एफ जी, बच्चों हमें किस ऑप्शन मिल रहा है? डी ऑप्शन में आप सभी देख सकते हैं, डी ऑप्शन क्या है हम लोग का? आई एच एफ जी आंसर हो गया। सभी में 4-4 प्लस करना था बच्चों, ई में 4 प्लस करेंगे, 5-4-9, 4-4-8, 4-2-6, और उसके बाद बच्चों क्या हो जाएगा हम लोग का? 3-4-7। बड़े आसान तरीके से आप इनका आंसर कर सकते हैं, थोड़ी भी आपको दिक्कत महसूस नहीं होगी। बच्चों देखते हैं अगला सवाल, 5 नंबर क्वेश्चंस। अगर हम पांचवें क्वेश्चन की बात करें तो बच्चों बहुत सारे बच्चे हैं ना जो कि ब्लड रिलेशन से डर जाते हैं, कहते हैं सर इनके क्वेश्चंस हो नहीं पाते हैं, ब्लड रिलेशन डिफिकल्ट होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों।
देखो इन क्वेश्चन को हम कैसे ओरली कर सकते हैं, विदाउट पिन कर सकते हैं, कुछ भी नहीं, बस दिमाग से कॉमन सेंस का यूज करके इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे करेंगे? बच्चों कह रहा है एक फोटो की ओर देखते हुए, बच्चों मेरे हैंड में एक फोटो है, ऐसा मैंने मान लिया, एक फोटो है जिसको मैं देख के कह रहा हूँ कि एक व्यक्ति ने कहा मेरा कोई भाई और बहन नहीं है, एक फोटो है मेरे हाथ में और मैं कह रहा हूँ कि मेरा ना तो कोई भाई है और ना ही कोई मेरा बहन है। आगे देखो बच्चों, किंतु इस मनुष्य का पिता, जो मेरे हाथ में फोटो है, इसका पिता मेरे पिता का पुत्र है, यानी जो फोटो है इसका पिता मेरे पिता का पुत्र है, तो मेरे पिता का पुत्र कौन होगा? खुद मैं होऊंगा और वही इसका पिता है, यानी ये मेरा कौन है? बेटा है। सोचो बच्चों कितना आसान है सवाल, इसका पिता मेरे पिता का बेटा है, मेरे पिता का बेटा मैं होऊंगा और वही इसका पिता है, यानी ये मेरा कौन है? ये मेरा पुत्र है, यानी मैं फोटो किसका देख रहा हूँ? मैं अपने पुत्र का फोटो देख रहा हूँ, मैं अपने पुत्र का फोटो देख रहा हूँ। अब बच्चों समझिएगा कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे अभी, कैसे अगर लिख के सॉल्व करें तो कैसे करूंगा? जैसे बच्चों ये मैं हूँ और ये व्यक्ति है फोटो वाला, मैंने कहा इसका पिता, इस व्यक्ति का पिता, इस व्यक्ति का पिता मेरे पिता का पुत्र है, मेरे पिता का पुत्र है, मेरे पिता का पुत्र है, तो ये मैं कौन हुआ? यही मैं हूँ, मेरे पिता का पुत्र तो मैं ही हूँगा। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ना तो मेरा कोई भाई है और ना ही मेरा कोई बहन है, तो मैं इकलौता हूँ, तो मैं ही अपने पिता का पुत्र हूँगा जो कि इसका पिता होगा। और इस तरीके से क्या हो गया, वो किसका फोटोग्राफ देख रहा है? अपने पुत्र का। तो बच्चों क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे, सारे क्वेश्चंस बेहतरीन है, लेकिन करने का तरीका उनसे भी बेहतरीन है जिससे कि आप चीज़ों को आसान कर पा रहे हैं। देखो बच्चों 6 नंबर सवाल है जो कि अभी हम करने चल रहे हैं। 6 नंबर क्वेश्चन बच्चों हम लोग करेंगे यहाँ पर सवाल। तो सुधा 6 किलोमीटर पूर्व और उसके बाद 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलती है। सुधा बच्चों सबसे पहले जैसे इसका क्वेश्चन सॉल्व करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक ओरिजिन पॉइंट मान लो, एक मूल बिंदु मान लो कि हमारा मूल बिंदु है। यहाँ से जो है बच्चों 6 किलोमीटर पूर्व की तरफ जाएगी, कौन? सुधा। और हम सभी को पता है डायरेक्शन में कि ये हमारा ईस्ट होता है, ये हमारा वेस्ट होता है, ये हमारा साउथ होता है, और ये हमारा नॉर्थ होता है, और ये हमारा साउथ होता है। तो बच्चों देखो अब क्या करना है, सुधा सबसे पहले 6 किलोमीटर जाएगी पूर्व दिशा में, उसके बाद 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में। तो 5 बच्चों दक्षिण मतलब नीचे हो जाएगा, 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में, ठीक है। इसके बाद वह पूर्व की ओर मुड़ती है और 6 किलोमीटर चलती है। बच्चों फिर पूर्व में मुड़ेगी और कितना चलेगी? अगेन 6 किलोमीटर। अंत में वह 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में, अंत में बच्चों 10 किलोमीटर उत्तर, 5 ही हो गया, 5 और, ओवरऑल कितना हो गया? 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में। आप कह रहा कि बताइए कि वह अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पे है, यानी बच्चों हमें ये डिस्टेंस बताना है। सबसे पहले हमने क्या किया, सुधा 6 किलोमीटर पूर्व की ओर जाएगी, हम पूर्व की ओर ले गए, फिर कह रहा है कि उसके बाद वो 5 किलोमीटर दक्षिण, तो 5 किलोमीटर दक्षिण लाए बच्चों, फिर कह रहा है कि वह फिर इसके बाद वह फिर पूर्व की ओर मुड़ती है और 6 किलोमीटर, फिर पूर्व में मुड़ी और 6 किलोमीटर, इसके बाद बोला बच्चों अंत में वह 10 किलोमीटर उत्तर में, तो 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में। बताइए वह अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है। तो बच्चों देखो कैसे निकालेंगे, बच्चों इस लाइन को यहाँ तक कंप्लीट कर लिया, A6 है तो AB6 होगा, बच्चों A5 है तो AB5 होगा, तो प्यारे बच्चों A बचा कितना? A5 बचा। और बच्चों हमें तिरछी दूरी निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? 12 किलोमीटर। अब बच्चों अगर हमें तिरछी डिस्टेंस निकालनी है, हम सभी को पता है कर्ण इसे हम लोग कहते हैं, तो हम ले सकते हैं कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग का फार्मूला होता है बच्चों, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, दैट मीन्स 169, और ये किसका वैल्यू है बच्चों, किसका स्क्वायर रूट है? 13 का, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 13 किलोमीटर, यानी ए ऑप्शन हम लोग का राइट है। क्लियर है बच्चों, चलते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन पे कौन सा क्वेश्चन है बच्चों? 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है सिटिंग अरेंजमेंट का। आपको बता दें सिटिंग अरेंजमेंट का कोई भी क्वेश्चन आए, कभी भी पूरे क्वेश्चन को मत पढ़ो, बस ये पढ़ो कि 6 मित्र कैसे बैठे हैं, एक घेरे में बैठे हैं, ठीक है बच्चों। ये मैंने घेरा बना दिया और 6 लोग को बैठा दिया, 1 2 3 4 5 6। जब भी सिटिंग का सॉल्व करना बच्चों क्वेश्चन, सबसे पहले राइट और लेफ्ट पता होना चाहिए आपको, आप सभी को पता होना चाहिए। अगर आप केंद्र की तरफ मुंह किए हैं तो ये आपका बायां साइड होगा और ये आपका दायां साइड होगा, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं सवाल, कह रहा है कि ताश खेल रहे हैं, ठीक है बच्चों ये ताश है बच्चों, ताश खेल रहे हैं। कैनी डैनी के बाईं ओर है, बच्चों कैनी को जहां मन कहे वहां बैठा दो, मैंने कैनी बैठा दिया, और कैनी कहाँ है बच्चों? कैनी डैनी के बाईं ओर है, तो डैनी यहाँ बैठ जाएगा। अब क्या हो गया बच्चों, कैनी डैनी के बाईं ओर हो गया, ए इसका बायां है।
फिर कह रहा है बाबी और जानी के बीच में माइकल है, बाबी और जानी के बीच में माइकल है। क्या बच्चों बाबी और जानी को यहाँ कहीं बैठाए हो? अभी कोई भी नहीं बैठा है, तो एक लाइन और पढ़ लेते हैं। कैनी और बाबी के बीच में राजर है, तो कैनी तो ऑलरेडी बैठा ही है बच्चों, यहाँ पर बाबी को बैठा देंगे। तो कैनी और बाबी के बीच में कौन है? राजर है। जैसे ही कह रहा है कि कैनी और बाबी के बीच में कौन है? राजर है। और फिर इसके ऊपर की जो लाइन थी बच्चों, वहां पर बोला गया बाबी और जानी के बीच में माइकल है, तो बाबी तो ऑलरेडी यहाँ पर बैठा था, तो बाबी और जानी के बीच में माइकल है, तो बच्चों जानी को यहाँ बैठा दो और माइकल को यहाँ बैठा दो, तो बाबी और जानी के बीच में कौन हो गया? माइकल हो गया। सारी चीजें जैसा कह रहा है वैसा आप बैठा ले रहे हैं, बहुत आसान तरीके से हो जाएगा बच्चों, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। सारी चीजें जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो अपने आप इजी बनती चली जाएंगी। और यही एक तरीका होता है बच्चों, अंतिम पल चल रहा है, जितना मेहनत कर सको कर लो बच्चों, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं। एज का बहुत ही बड़ा फाउंडेशन है डिफेंस में। अब बच्चों क्या कह रहा है कि माइकल के दाईं ओर कौन बैठा है? तो माइकल के दाईं ओर की बात करेंगे बच्चों, ए दायां साइड होता है, ए बायां साइड होता है, तो माइकल के दाईं ओर कौन बैठा है? बाबी बैठा है। और हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। तो बच्चों आई होप कि आप क्वेश्चंस को बहुत बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे, और कितने क्वेश्चंस आप कितने टाइम में करते हैं ये सारी चीज़ें आप कमेंट में जरूर लिखा करो कि सर मेरे क्वेश्चंस इतने टाइम में हुए हैं। टाइम का मतलब बच्चों, जैसे कि आप कोई क्वेश्चन करते हो उसमें कितना समय लग रहा है, टोटल टाइम काउंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि 5 मिनट 6 मिनट, क्योंकि मैं तो आपको बच्चों थोड़ा समझा भी रहा हूँ, बातें भी कर ले रहा हूँ, लेकिन आप क्वेश्चन को सॉल्व करो और देखो उन क्वेश्चंस को आप कितने सेकंड में, आप एक गेस कर सकते हैं 20 सेकंड 30 सेकंड, है ना, आप देखो कितने में कर पाते हो बच्चों। एक क्वेश्चन है बच्चों, यदि ऊपरी सतह पर 3 है तो इसके नीचे की सतह पर कौन सा अंक होगा? ऊपरी सतह पर 3 है तो नीचे की सतह पे कौन सा अंक होगा? बच्चों जब भी सिंगल डाइस का क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यही चेक करना होता है कि जो डाइस गिवन है ये स्टैंडर्ड है या बच्चों जनरल है। जनरल डाइस होता है बच्चों, अगर इनके किन्हीं भी दो ऊपरी फलक का योग 7 है तो हमारा जनरल पास होगा, सामान्य पास होगा, और यदि ऐसा नहीं तो मानक पास होगा। तो हमने देखा बच्चों 2 1 3 3 1 4 3 2 5, किन्हीं भी दो पासे को, किन्हीं भी दो फलक को जोड़ने पे 7 नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा मानक पासा है। और यदि ये मानक पासा है तो मानक पासा का डिफिनेशन होता है, मानक पासा में विपरीत फलकों का योग 7 होता है। मानक पासा में विपरीत फलकों का योग 7 होता है। यदि बच्चों 2 का पूछता तो 5 होता, 1 का पूछता तो 6 होता, 3 का पूछता तो 4 होता। हमसे पूछा किसका बच्चों? 3 का, तो 3 का आंसर क्या होगा? 4 होगा बच्चों। 4 किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में हमारा आंसर हो गया। सोचो बच्चों एक कॉन्सेप्ट की पावर है, यानी अगर आपको यही सवाल का कॉन्सेप्ट नहीं पता रहेगा, जनरल सामान्य पाशा मानक पाशा नहीं पता रहेगा, तो ये क्वेश्चन आपको करने में बहुत वक्त लग जाएगा। लेकिन जब ये सारी चीजें आपको पता रहेंगी तो बहुत कम टाइम में क्वेश्चंस को आप कर पाएंगे बच्चों। कह रहा है कि लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाईं ओर से 9वीं है। कमला बच्चों बाईं ओर से 9वीं है। ध्यान देना बच्चों, जो अपना राइट होता है वही इसका राइट होता है, जो अपना लेफ्ट होता है वही इसका लेफ्ट होता है। कमला का जो प्लेस है बच्चों बाईं ओर से 9वां है, यानी कमला बाईं ओर से 9वां है, और वीना दाईं ओर से 16वीं है। वीना का प्लेस की बात करें बच्चों, तो वीना जो है बच्चों दाईं ओर से 16वीं है। वीना का प्लेस कितना है? 16 है। यदि वे अपने स्थान अदल बदल कर लें, यानी बच्चों कहने का मतलब वीना यहाँ आ जाए और कमला यहाँ आ जाए, यदि ये अपने स्थान अदल बदल कर लें, तो कह रहा है बच्चों कमला बाईं ओर से 25वीं हो जाएगी। तो कमला का जो स्थान होगा बच्चों बाईं ओर से कौन सा हो जाएगा? 25वां हो जाएगा। फिर से देखते हैं बच्चों, लड़कियों की पंक्ति में कमला बाईं ओर से 9वीं है, बीना दाईं ओर से 16वीं है, अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो कमला का प्लेस बाईं ओर से 25वां हो जाता है। पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? तो बच्चों आपको पता है वीना का इधर से प्लेस 16वां था, तो वीना के पीछे कितने लोग बैठे थे? 15 लोग बैठे थे। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि वीना और कमला का प्लेस अब सेम है, जहां पर वीना है वहीं पर कमला है, यानी कहने का मतलब जो वीना के पीछे है वही कमला के आगे है। जो लड़कियां का वीना के पीछे थी वही लड़कियां अब कमला के आगे हैं। तो बच्चों 25 ए थी, 15 और 25 15 कितना हो गया? 40 हो गया बच्चों। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 40 हो गया। किस ऑप्शन में बच्चों? 40 हमारा जो है आंसर बच्चों ए डी सी ऑप्शन में, और इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला सवाल क्या है हम लोग का। तो बच्चों इस तरीके से जब क्वेश्चंस को करेंगे तो आप अपने एग्जाम में बहुत कम समय में चीज़ों को अच्छे से कर पाएंगे। बच्चों एक क्वेश्चन है हम लोग का, एक खंभे पर एक बंदर एक कोशिश में 5 मीटर ऊपर चढ़ता है और 2 मीटर नीचे खिसक जाता है। यदि खंभे की ऊंचाई 41 मीटर है तो कितनी कोशिश में वह बंदर खंभे के ऊपरी सिरे तक पहुंच जाएगा? बच्चों अगर बात करें इस क्वेश्चन की, तो एक क्वेश्चन आपका कभी कभी अर्थमेटिक में भी आ जाता है और रीजनिंग में भी आता है।
देखो बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जो बंदर है बच्चों एक कोशिश की बात करेंगे, अगर एक कोशिश में वो 3 मीटर चढ़ता है, एक कोशिश में बच्चों कितना चढ़ता है, एक कोशिश में 3 मीटर चढ़ता है, अगर एक कोशिश की बात करेंगे बच्चों तो एक कोशिश में कितना चढ़ता है, 3 मीटर चढ़ता है, क्योंकि वो 5 मीटर चढ़ा और 2 मीटर नीचे आ गया, 5 मीटर चढ़ा बच्चों ऊपर और 2 मीटर नीचे खिसक गया, तो कितना चढ़ा, एक कोशिश में सिर्फ 3 मीटर चढ़ा, हमें चढ़ना कितना है 41। तो बच्चों ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना, जब भी ऐसा सवाल है, जब भी ऐसा सवाल है इस नंबर में जितना आप चढ़ रहे हो इस नंबर में ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना कि आप ऐसे नंबर के पास पहुंचना कि उसमें 5 जोड़ने के बाद 41 आ जाए, 5 जोड़ने के बाद 41 आ जाए, इस बात का ध्यान रखना। यानी अगर हम इसमें 12 से ही गुणा कर दें और 12 से इसमें भी गुणा करना पड़ेगा तो हम कह सकते हैं बच्चों 36 मीटर हम चढ़ेंगे, 36 मीटर चढ़ेंगे 12 कोशिश में। अगर हम 12 कोशिश करेंगे तो हम कितना जाएंगे, 36 मीटर जाएंगे। और बच्चों अगली कोशिश की अगर हम बात करें, जैसे हम अगला कोशिश करेंगे तो इस कोशिश में बच्चों हम 5 मीटर और जाएंगे और 41 मीटर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कोशिश कितना हुआ, 13 हुआ, 13 कोशिश में बच्चों हम क्या चढ़ जाएंगे, 41 मीटर जो हमारा टारगेट था उस पॉइंट पर चढ़ जाएंगे। बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनके दिमाग में ये आ रहा होगा सर कि जब हम 13वां कोशिश चढ़ेंगे यानी जब लास्ट वाली कोशिश चढ़ेंगे तो उसमें हम 5 चढ़ेंगे, 2 तो नीचे भी आएंगे। हाँ बच्चों 2 नीचे आएंगे, डन है, लेकिन बच्चों हमें टॉप प्लेस को टच करना था, और जब हम टॉप प्लेस को टच कर लेते हैं उसके बाद अगर हम नीचे भी गिर जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ प्लेस को टच करना था, ऊपर चढ़ना था, और हम ऊपर पहुंच जाते हैं 13वीं कोशिश में। उसके बाद यदि आप नीचे भी गिर जाएंगे तो कोई मैटर नहीं करता है, आपको जो टारगेट पॉइंट था आप वहां पर पहुंच जाते हैं 13 कोशिश में, 13 ट्राई में। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम लोग 13 अटेम्प्ट्स में हम लोग बच्चों पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो बच्चों आई होप कि क्वेश्चंस क्लियर हुआ, इसमें हमारा जो ऑप्शन था बच्चों सी ऑप्शन था, सही था। तो बच्चों आई होप कि क्वेश्चंस आप समझ पा रहे होंगे, सारे क्वेश्चंस को हम लोग कितना कम टाइम में कितना फास्ट कर पा रहे हैं, इसी तरीके से बच्चों सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। ये देखो बच्चों नॉन वर्बल के क्वेश्चंस रखे गए हैं, तो देखो बच्चों यहाँ पर मैं क्वेश्चंस का इंस्ट्रक्शन बता दे रहा हूँ, लिखा क्या उसका मतलब क्या है, उसका मतलब बस यही था बच्चों कि हमें जो यहाँ 4 फिगर दिए गए हैं इनमें से एक फिगर हमारा डिफरेंट है, वो कौन सा डिफरेंट फिगर जो हमारा आंसर है। बच्चों आपको क्वेश्चंस आसान लगते होंगे लेकिन जब इन्हें सॉल्व करोगे ना तब आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन आसान है कि डिफिकल्ट है। अभी मैं बता देता हूँ इसलिए चीज़ें आसान लगती हैं, लेकिन जब हम इसे सॉल्व करते हैं बच्चों ना तब चीज़ें समझ में आती हैं। इसलिए आप ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने में से कितना क्वेश्चन सही किया है। बच्चों देखो अगर इसका मुख की बात करें, इसका साउथ में मुख है, और जब भी हमारा साउथ में मुख होता है तो ये हमारा साइड क्या होता है, लेफ्ट होता है। लेकिन जब हमारा मुख नॉर्थ साइड में होता है तो बच्चों ए साइड हमारा क्या होता है, ए साइड हमारा राइट होता है, और ये भी बच्चों कुछ ऊपरी साइड में है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, और ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा, ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा। और बच्चों जब इस डायरेक्शन में हमारा मुख होगा तो ये हमारा राइट होगा और ये हमारा लेफ्ट होगा। बच्चों मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जितने भी फिगर यहाँ पर बने हैं इनके सब फिगर सिमिलर हैं, सब सेम हैं, बस इनके साथ जो ये लाइन लगी है ना इन 3 फिगरों में, इसमें इसमें और इसमें, ये लेफ्ट साइड में लगी है जबकि बच्चों इसमें राइट साइड में, इसलिए हमारा बी ऑप्शन आंसर हो गया, बाकी हमारे गलत हो गए। तो बच्चों जो अलग है वो बी ऑप्शन है, ये लाइन हमारा राइट में बना है बाकी सब में लेफ्ट में बना है। तो बच्चों हम लोग का आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन हो गया। चलते हैं बच्चों हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन पे, अगला सवाल देखेंगे बच्चों। यहाँ पर हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर। बच्चों आप सभी को पता है काउंटिंग फिगर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, बहुत सारे बच्चे स्क्वायर को काउंट करना शुरू कर देते हैं 1 2 3 4 5, तो बच्चों बहुत समय लग जाता है। इन क्वेश्चन को हमें सेकेंड में करना है, कैसे करेंगे, इनकी नंबरिंग कर लो 1 2 3 4, इधर से भी कर लो 1 2 3 4, यदि इनकी नंबरिंग इक्वल है बच्चों, इधर भी 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4, तो एक साइड का आप स्क्वायर कर लेना, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इनको ऐड कर देना 16 4 20 9 1 10 30। तो बच्चों ओवरऑल कितना हो गया, 30 हमारा आंसर हो गया। कितना समय लगेगा, कुछ भी समय नहीं लगेगा बच्चों, बहुत फास्ट करोगे जब चीजें पता होंगी तो। और यही सीखना है इस अंतिम क्षण में, सिर्फ हम सीख सकते हैं, चीजों को प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने एग्जाम को हमें बच्चों बेहतर बनाना है। देखो बच्चों अगर अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग, बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं अभी। एक क्वेश्चन हम लोग का सीरीज से है, सीरीज से इस क्वेश्चन को देखिए हम लोग कैसे सेकंड में सॉल्व करेंगे। इंस्ट्रक्शन में आपको बता दे रहा हूँ बच्चों, सीरीज का क्वेश्चन है, ये सीरीज चल रहा है, हमें बताना है अगला क्या होगा। तो बच्चों देखो इन क्वेश्चन को हम फास्ट कैसे करेंगे, यहाँ पर बच्चों देखेंगे हम लोग, अगर फर्स्ट फिगर को देखें
थर्ड को देखें और फिफ्थ को देखें तो सबके नीचे बच्चों क्या बनाए, स्क्वायर बनाए। वैसे ही बच्चों अगर हम सेकंड को देखें और फोर्थ को देखें और सिक्स को देखेंगे बच्चों तो वही फिगर होगा जो हमारा यहाँ पर होगा। यहाँ सर्कल है, यहाँ सर्कल है, यहाँ भी सर्कल होगा। अब सर्कल वाले बच्चों जो हमें पॉइंट्स मिलते हैं, थ्री ऑप्शन मिल जाते हैं, इसलिए फर्स्ट तो हमारा वैसे ही गलत हो गया। दूसरा बात देखेंगे बच्चों तो यहाँ पर जो इनका डायरेक्शन है ना, इनका डायरेक्शन लेफ्ट साइड है, जो ब्लैक किया गया है लेफ्ट साइड में है। इसमें देखेंगे तो ये भी लेफ्ट साइड है, तो यहाँ भी बच्चों एक बात कंफर्म हो गया, यहाँ भी जो भी ऑप्शन होगा उसमें लेफ्ट साइड में ही रहेगा। यहाँ देखो बच्चों ये क्या है, ये राइट साइड में है ब्लैक, ये लेफ्ट साइड में है, यानी ये हमारा आंसर हो सकता है, यानी इसके बारे में भी नहीं सोचेंगे, और ये भी लेफ्ट में है इसके बारे में भी सोचेंगे, अभी इन दो फिगर के बारे में सोचेंगे। अब बच्चों दिशा देखेंगे, अगर दिशा देखेंगे बच्चों तो इस फिगर का यहाँ पर था, अगले फिगर में यहाँ से यहाँ आते हैं बच्चों तो इसका डायरेक्शन यहाँ हो जाता है, यानी ये 135 डिग्री रोटेट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज। फिर बच्चों जब 135 डिग्री रोटेट कराएंगे तो 90 और 45 135, यानी इसका डायरेक्शन यहाँ होगा, और इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, तो चलते हैं अभी अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, जो कि मिरर इमेज का है, दर्पण का है। तो देखो बच्चों दर्पण का क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दर्पण में होता क्या है बच्चों, जो हमारा राइट साइड का होता है, जो हमारा लेफ्ट साइड का है, ये हमारा राइट साइड है, ये हमारा लेफ्ट साइड है, तो राइट वाला फिगर बच्चों लेफ्ट में आ जाता है और लेफ्ट वाला फिगर हमारा राइट में चला जाता है। तो बच्चों यहाँ देखेंगे ए फिगर हमारा राइट में चला गया और ए फिगर हमारा लेफ्ट में आ गया। सिमिलरली बच्चों अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखें और यहाँ पर हम लास्ट ऑप्शन डी देखें, तो यहाँ पर क्वेश्चन में मिसप्रिंट हुआ है फर्स्ट एंड लास्ट। अगर आप देखेंगे बच्चों तो आपको दोनों सेम फिगर मिल जाएंगे, फर्स्ट एंड लास्ट में कोई भी डिफरेंस आपको नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर बाई मिस्टेक ये दोनों ऑप्शन में छप गए, तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ए हमारा इसका आंसर फिगर होगा, फर्स्ट भी हो जाएगा और लास्ट भी हो जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर फर्स्ट एंड लास्ट हो जाएगा, ए दोनों ऑप्शन हमारे आंसर नहीं होंगे, क्योंकि दोनों में बच्चों सेम फिगर दे दिया गया, थोड़ा भी डिफरेंट नहीं है, जैसा यहाँ पर है वैसा ही फिगर यहाँ पर भी है, इसलिए बच्चों हम लोग का फर्स्ट एंड फोर्थ दोनों ऑप्शन हो जाएंगे। चलते हैं बच्चों अभी लास्ट क्वेश्चन पे, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहां पर ये बच्चों हम लोग का वाटर इमेज का क्वेश्चन है, ये हम लोग का वाटर इमेज का क्वेश्चन है। इस वाटर इमेज के क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों यहां पर क्या होगा। यहां पर देख रहे हैं बच्चों जो वाटर इमेज में क्या होता है बच्चों, जैसे ए है ना, ए उल्टा हो जाएगा, यानी नीचे की चीजें ऊपर, ऊपर की चीजें नीचे हो जाएंगी। जैसे ये जो फिगर बना है, ए फिगर हमारा इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा और ये दो जो फिगर बने हैं इस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, ऐसा हो जाएगा बच्चों। तो ऐसा किस में हो रहा है, सिर्फ बी ऑप्शन में हो रहा है, जो ऊपर का फिगर है और नीचे आ जा रहा है, जो नीचे के फिगर है ये दोनों फिगर हमारे ऊपर आ जा रहे हैं, और ऐसा किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम लोग का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आपको बता दें ऐसे ही हमें सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना था, और ए मॉडल पेपर बच्चों एक बस इससे आप एक सीख सकते हैं कि हमें कैसे एग्जाम में चीज़ों को अटेम्प्ट करना है, कैसे फास्ट करना है, जैसा कि मैंने आज की क्लास में आप लोगों को बताया। तो ठीक है बच्चों, इसी मॉडल पेपर के साथ आज का ये एंड करते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ, तब तक के लिए आप सभी बच्चों को जय हिंद बच्चों। जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेजर कल्सी के प्लेटफॉर्म पे। बच्चों वाई ग्रुप का एक मॉडल पेपर हम लोग करेंगे और इसमें सॉल्व करेंगे इसको बच्चों। 10 क्वेश्चन है बच्चों, बेहतरीन क्वेश्चन है ये, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिख रहा है, हु बिकम द फर्स्ट वुमेन अंपायर टू ऑफिशिएट एट अ मेंस टेस्ट मैच क्रिकेट, पूछा ये जा रहा है बच्चों पहले क्वेश्चन में, पुरुषों की टेस्ट मैच क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन बनी है। तो बच्चों रिसेंटली अभी क्या हुआ है, जनवरी 2021 की बात हम करें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में सिडनी में मैच था बच्चों, तो उसमें ये जो बी ऑप्शन में देखो आप, यहाँ सही उत्तर आप देखें अगर क्लेयर, ये बी ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्लेयर पुलिशॉफ जो दिख रही हैं, ये बच्चों इन्होंने अंपायरिंग किया था इस टेस्ट मैच में जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था। तो यहाँ करेक्ट जो हमारा आंसर हो जाएगा क्लेयर पुलिशॉफ हो जाएगा बच्चों। ये क्या हुआ, इन्होंने इतिहास एक तरीके से रच दिया, क्योंकि मेन्स का टेस्ट मैच था और उसमें कोई वुमेन यहाँ पे अंपायरिंग कर रही है, तो ये बच्चों काफी महत्वपूर्ण है ये बातें, तो ध्यान रखिए क्लेयर पोलो शॉप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेकंड नंबर पे उसको देखते हैं, और ये देखिए यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे सेकंड नंबर पे जो क्वेश्चन है बच्चों, ये विच ऑपरेशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय द इंडियन नेवी टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री,
आपने देखा अभी कोरोना का जो मामला था बच्चा, जो मतलब यहाँ जो मामला आया कोविड-19, तो कोविड-19 का जो सेकंड फेज बच्चों आया था, और सेकंड फेज में ये हुआ कि भारत में ऑक्सीजन की काफी दिक्कत देखने को मिली, और ऑक्सीजन की जो दिक्कत देखने को मिली तो उसमें हमारे जो इंडियन नेवी है उसने काफी सहयोग किया, काफी मदद किया। तो बच्चों उसने एक ऑपरेशन भी चलाया था इंडियन नेवी ने, तो वही पूछा जा रहा है कि भारतीय नौसेना ने देश की ऑक्सीजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया। तो बच्चों चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। तो जो ऑपरेशन शुरू किया गया था वो समुद्र सेतु सेकंड, समुद्र सेतु सेकंड शुरू किया गया था। तो हमारे यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो देखो बी नंबर, इस समुद्र सेतु सेकंड। और समुद्र सेतु नाम से एक और ऑप्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये बच्चों तब हुआ था पिछले लास्ट ईयर में हुआ था, और लास्ट ईयर में यही कोविड वाला जो मामला था ना, तो उस समय क्या हुआ था कि जो विभिन्न देशों में हमारे अड़ोसी पड़ोसी देशों में जो लोग गए थे उनको भारत में लाने के लिए चलाया गया था समुद्र सेतु। तो ये लास्ट ईयर में चला था। और जो रिसेंटली बच्चों जब कोविड-19 का सेकंड फेज आया तो उस समय समुद्र सेतु सेकंड वाला चलाया गया और इंडियन नेवी द्वारा चलाया गया। तो बच्चों ये ऑपरेशन इंडियन नेवी ने चलाया है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, समुद्र सेतु सेकंड, ठीक। और ये ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट की पूर्ति की गई, ठीक। जैसे विभिन्न देशों से ऑक्सीजन को लाना, मेडिकल इक्विपमेंट को लाना, ये सब काम बच्चों कब किया गया, इस ऑपरेशन के तहत इंडियन नेवी द्वारा किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों हम लोग चलते हैं, और थर्ड नंबर पे देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। देखिए थर्ड नंबर पे ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे सामने है, व्हेन वाज द फर्स्ट पंचायत ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। पूछा ये जा रहा है कि भारत की पहली पंचायत को राजस्थान में कब स्थापित किया गया था। अब भारत में पंचायत के गठन को लेकर के कई समितियां गठित होना स्टार्ट हो गई, जैसे पलवल राय मेहता की समिति बच्चों, ठीक है ना, पंचायत के लिए अशोक मेहता की समिति। तो बच्चों ये सब समितियां गठित हो रही थी। हमारे जो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया बच्चों कि उन्होंने राजस्थान के, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर में क्या किया बच्चों, राजस्थान के नागौर जिले में क्या किया कि पंचायत का गठन कर दिया राजस्थान में, ठीक ना। तो राजस्थान के नागौर जिले में उन्होंने पंचायत का गठन किया, और ये गठन बच्चों उन्होंने इसी चार ऑप्शन में जो 2 अक्टूबर 1959 दिख रहा है इसी समय किया, ठीक, इसी समय उन्होंने किया। तो बच्चों ये पंचायत का गठन भारत में पहली बार ये हो गया। अब इसके बाद पंचायत को जब संवैधानिक दर्जा देने की बात अगर हम देखें बच्चों, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 73 नंबर का बच्चों, ये हुआ था आपका उस समय 1992 में। कब हुआ था, 1992 में। तो 1992 में हुआ था, और जो इंप्लीमेंट देखा जाए जिसका मतलब ये तो संशोधन हुआ था 1992 में, लेकिन बच्चों ये संशोधन उठता है जब इंप्लीमेंट की बात हम करें, तो इंप्लीमेंट देखो जो ये 24 अप्रैल 1993 दिख रहा है ना, इस समय हुआ था। इसीलिए बच्चों हम पंचायती राज दिवस के रूप में भी 24 अप्रैल को मनाते हैं, पंचायती राज दिवस के रूप में हम 24 अप्रैल के डे को मनाते हैं बच्चों, हर साल मनाते हैं। तो यह बात आपको समझ में आ गई होगी, जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसका सही उत्तर 2 अक्टूबर 1959 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल लेते हैं बच्चों, देखते हैं फोर्थ नंबर पे क्वेश्चन क्या है। और ये रहा आपके सामने फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। अब फोर्थ नंबर पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिकल डांस। क्लासिकल डांस, क्लासिकल डांस के बारे में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा क्लासिकल डांस बच्चों, हाँ, इज नॉट क्लासिकल डांस मतलब कौन क्लासिकल डांस नहीं है, ठीक। तो चार ऑप्शन है आपके सामने, तो कौन सा इसमें क्लासिकल डांस नहीं है वही बताना है आपको। आप जानते हैं कि भारत में डांस की बात करें अगर हम, तो एक तो फोक डांस होता है और एक क्लासिकल डांस होता है। क्लासिकल डांस में बात करें बच्चों, जैसे भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, ये सब क्या है, क्लासिकल डांस है। तो यहां हमारा सही उत्तर यक्षगान होगा, यक्षगान, ठीक। ये हमारा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग, देखिए ये बहुत ध्यान देने वाली बात रहती है जब नाट पूछा जाए कि नहीं है तो ये आप ध्यान रखिए यही नहीं है, ये यक्षगान कर्नाटक में होता है, तो यह क्लासिकल डांस नहीं है बच्चों, ध्यान रखना। क्लासिकल डांस में जैसे हमने अभी ये सब कहा ना, तो कथकली देखो केरल में होता है, मोहिनीअट्टम भी बहुत प्रसिद्ध है केरल में, कुचिपुड़ी देखें तो आंध्र प्रदेश में बहुत प्रसिद्ध है, भरतनाट्यम बच्चों देखा जाए तो भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु में बहुत ही प्रसिद्ध है, सत्रिया ये भी एक क्लासिकल डांस है, असम में होता है,
छऊ नृत्य देखा जाए तो ये भी बच्चों क्लासिकल डांस की श्रेणी में आते हैं, और ये बंगाल, उड़ीसा, झारखंड यहाँ पे ये नृत्य देखा जाता है, यहाँ काफी प्रसिद्ध है छऊ नृत्य। ठीक, तो बच्चों इसका आंसर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और फाइव नंबर पे देखते हैं कौन सा है। ये रहा फाइव नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच। तो देखो बच्चों चार ऑप्शन है और क्या दिख रहा है हमको, देखने पे दिख रहा है, देखो एक तरफ सिटी दिया हुआ है, एक तरफ नदी का मतलब रिवर का नाम दिया है, यानी वो सिटी किसके किनारे बसी है पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखो रोम दिया है, उसके जस्ट सामने टाइगर रिवर दिया है। तो बच्चों रोम इटली की कैपिटल है और टाइगर नदी के किनारे भी है, तो ये तो करेक्ट है। और हमसे पूछा जा रहा है इजनाट मैच, ये देखो पूछा जा रहा है। तो लंदन क्या हो जाए, लंदन की बात करें तो इंग्लैंड की कैपिटल है और टेम्स के किनारे भी है, टेम्स के किनारे भी है, तो ये भी सही हो गया। देखो बी हमने अभी नहीं देखा, बी भी देख लेते हैं। पेरिस फ्रांस की कैपिटल है और ये सीन नदी के किनारे, ये भी मैच है, यानी तीनों देखो मैच है, ये भी मैच है, ये भी मैच है, ये भी मैच है। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूयॉर्क की, तो न्यूयॉर्क ध्यान दे बच्चों, न्यूयॉर्क अमेरिका की एक बड़ा शहर है बच्चों, बिग सिटी है, तो बिग सिटी है और यह हडसन नदी किनारे, और जबकि यहां पे क्या दिया है, यहां पे दिया है नील नदी, तो बच्चों ये गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा यहाँ पे जो प्रश्न हमसे पूछा गया है। तो नील नदी की बात करें तो ये विश्व की सबसे लंबी नदी है बच्चों, सबसे बड़ी नदी है नील नदी की। कहा जाता है मिस्र देश जो है इजिप्ट, इजिप्ट नदी मतलब इजिप्ट जो है उसको नील नदी का वरदान कहा जाता है, नील नदी का वरदान। इजिप्ट में ही एक बड़ा शहर है बच्चों, तो वहां पे उस शहर का नाम है काहिरा, काहिरा जो है नील नदी के किनारे है, ठीक नील नदी के किनारे है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं सिक्स नंबर पे और देख लेते हैं सिक्स पे क्या है क्वेश्चन। ठीक, तो बच्चों जल्दी से आप ये देखिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। विच इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, देखो सिविलियन अवार्ड पूछा गया है, नागरिक पुरस्कार जो सबसे बड़ा वाला है उसी को पूछा जा रहा है। तो चार ऑप्शन है आपके सामने, तो सही ऑप्शन तलाश करिए बच्चों। यहाँ पे आप देखिए भारत में क्या हुआ कि भारत में जो सिविलियन अवार्ड है वह सिविलियन अवार्ड सबसे बड़ा अवार्ड की बात करें हम तो भारत रत्न है, भारत रत्न, तो हमारा यहाँ सही उत्तर ए हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है, क्लियर एकदम। भारत रत्न की बात करें बच्चों तो ये तो पहले नंबर पे आता है और ध्यान रखना है सिविलियन अवार्ड में, सिविलियन अवार्ड में, ठीक ना। अगर यही बात करें हम मिलिट्री अवार्ड में बच्चों कि मिलिट्री अवार्ड में सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है, तो आप परमवीर चक्र, उसका नाम ध्यान रखना, परमवीर चक्र सबसे बड़ा अवार्ड की वहां बात करेंगे हम। ठीक, तो सिविलियन अवार्ड हमसे पूछा गया है, सिविलियन अवार्ड में सबसे बड़ा अवार्ड बच्चों भारत रत्न है। सेकंड नंबर पे आपका जो देखा जाए तो सेकंड थर्ड और फोर्थ, इनमें ये पद्म वाले अवार्ड आते हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ, और इन सभी अवार्ड की अगर हम शुरुआत करें मतलब कि कब ये शुरू हुए थे, स्टार्ट हुए थे, तो ये 1954 में जो हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बच्चों वही इस अवार्ड की शुरुआत किए थे। तो यहां हमारा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। पहली बार जब भारत रत्न दिया गया था तो उस समय बच्चों दिया गया था श्री राजगोपालाचारी को, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को और सीवी रमन को, इन्हें फर्स्ट टाइम तीन लोगों को मतलब अवार्ड दिया गया था, फर्स्ट टाइम भारत रत्न, भारत रत्न की बात हम कर रहे हैं बच्चों। ठीक, तो यहाँ हमारा एज करेक्ट, और आज वर्तमान तक अगर देखा जाए बच्चों तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा 48 लोगों को ये अवार्ड दिए जा चुके हैं भारत रत्न, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सेवंथ नंबर पे देखते हैं बच्चों कौन सा है आपके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ओल्डेस्ट माउंटेन्स इन इंडिया, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है। चार ऑप्शन है हिमालय, अरावली, विंध्य, अन्नामलाई। तो बच्चों भारत में जो सबसे प्राचीन पर्वत की देखा जाए तो सबसे प्राचीन पर्वत इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, अरावली। अरावली का जो हाईएस्ट पीक है वो गुरु शिखर है, गुरु शिखर। तो यहाँ बच्चों हमारा करेक्ट आंसर क्या है, बी, बी हमारा करेक्ट है यहाँ पे, तो ये हमारा ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एट नंबर पे बच्चों। ये देखिए इसमें जो क्वेश्चन में दिख रहा है केन्या
केन्याज फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ ईस्ट अफ्रीकन कंट्री इज। ये देखिए केन्या में क्या हुआ कि केन्या में बच्चों अभी जो है वहां पे एक महिला जो है वहां पे चीफ जस्टिस बनी है और ईस्ट अफ्रीकन कंट्री की फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस है बच्चों। तो केन्या आप जाते हैं अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है बच्चों, इसकी हम लोग जब देखते हैं तो मतलब ये फर्स्ट फीमेल जो जज बनी है बच्चों वहां पे, तो वह इन चार ऑप्शन में जो मार्था देखो कुमे लिखा है ना, मार्था कुमे, तो यही बने हैं बच्ची वहां, यहाँ यही बनी है ठीक है ना, तो यही बनी है। तो हमारे ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब कोई महिला किसी देश में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री चीफ जस्टिस तो ये सब बनते हैं बच्चों, तो काफी महत्वपूर्ण होता है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा ठीक है ना। चलिए यहाँ बात आई बच्चों केन्या की, तो केन्या की ध्यान रखना केन्या की जो कैपिटल है ना वो नैरोबी है। कैपिटल क्या है? नैरोबी। और यहाँ की अगर हम करेंसी की बात करें ना तो केन्याई शिलिंग बच्चों, इसकी जो करेंसी है ना शिलिंग, शिलिंग ध्यान रखना ठीक ना, शिलिंग मैं देखो लिख दे रहा हूं शिलिंग, इसका भी आप ध्यान इसे भी रखिए ठीक। चलिए एट के बाद हम लोग बच्चों नाइन्थ नंबर पे चलते हैं और नाइन्थ नंबर पे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन दिख रहा है। ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है हु अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, पूछा जा रहा है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, एजीआई की नियुक्ति की बात हो रही है। तो बच्चों हम जानते हैं कि आर्टिकल 76 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो है अनुच्छेद 76, इसमें क्या है भारत का जो राष्ट्रपति है, भारत के राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने वाले ऐसे व्यक्ति को, मतलब ऐसे जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता जो रखते होंगे उन्हें क्या करते हैं, उन्हें एजीआई नियुक्त करते हैं, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त करते हैं। और ये बात कहां लिखी गई बच्चों, आर्टिकल 76 में लिखी गई है। अब ये जो एजीआई होते हैं ना महान्यायवादी, ये भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी कहे जाते हैं, भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी, यानी भारत का अगर देखा जाए तो भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन है बच्चों, तो यही एजीआई है ठीक। अब ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं ठीक, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ये धारण करते हैं। तो यहां जो प्रश्न पूछा गया था उसके अकॉर्डिंग बच्चों हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा कि अपॉइंट कौन करते हैं, तो प्रेसिडेंट करते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है यहां पे ठीक है ना, बी ऑप्शन ये राष्ट्रपति, यही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन बच्चों हम लोग अब चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन जो है ये देखिए 10th नंबर पे, क्योंकि हमारे सैंपल पेपर में 10th क्वेश्चन है बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन लिखा है हु आर द फाउंडर ऑफ विजयनगर एम्पायर, विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक पूछा जा रहा है कौन थे, तो चार ऑप्शन है हरिहर भुक्का बोथ एड बी और देवराय द्वितीय शेखर। तो बच्चों सही उत्तर आप इसमें तलाश करिए तो आपको ये दिखा कि ये जो सी ऑप्शन है यही करेक्ट है, क्योंकि हरिहर और बुक्का जो हैं ये संस्थापक माने जाते हैं किसके, विजयनगर साम्राज्य के विदय, ये साउथ इंडिया में ये साम्राज्य था बच्चों, साउथ इंडिया में तो वहां ये साम्राज्य था, बड़ा साम्राज्य था, तो हरिहर और बुक्का ये दोनों लोग संस्थापक माने जाते हैं बच्चों। अगर हम ईयर्स की बात करें तो ये ईयर्स आपका 1336 ईस्वी की बात है बच्चों, तो ये फाउंडर कौन हो गए हरिहर और बुक्का, तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो गया। तो बच्चों हमारे सैंपल पेपर में 10 क्वेश्चन थे जो बेहतरीन क्वेश्चन थे बच्चों, आप ये आगामी एग्जाम के लिए आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे बच्चों, तो आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद बच्चों। जय हिंद मेरे सभी प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को सबसे पहले मैं वेल विशेस देना चाहूंगा कि आप सभी लोगों का जिसका जिसका एग्जाम है 12-18 जुलाई एयरफोर्स वाई ग्रुप का, आप सभी लोगों का पेपर बहुत अच्छा हो। सो मेरे सभी प्यारे बच्चों चलिए उसी एग्जाम्स के लिए मैं आपके लिए मॉडल पेपर लेके आया हूँ जो कि अर्थमेटिक का, यहाँ पे हमने 10 क्वेश्चंस लिए हैं और ये सारे क्वेश्चंस मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके एग्जाम के टू द पॉइंट हो, और बहुत सारे मतलब जितने भी ज्यादातर क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल नए क्वेश्चंस हैं, तो इन क्वेश्चंस को करने से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा और काफी कॉन्सेप्ट आपको नए मिलेंगे, ये एग्जाम के लिए आपके बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए वीडियो को क्विट मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको जरूर लाभ होगा। तो चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लिखा है
दो संख्याओं का योग 520 है। यदि बड़ी संख्या 4% घटा दी जाए और छोटी संख्या 12% बढ़ा दी जाए तो प्राप्त संख्याएं बराबर होती हैं, तो छोटी संख्या ज्ञात करिए। यानी कि यहाँ पर अगर हम ले लें कि आपकी बड़ी संख्या x हो जाए और छोटी संख्या y हो जाए, तो बच्चों अगर इसे हम 4% घटाएंगे तो ये हो जाएगा 96%, यानी 96/100, और इसे हम 12% बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 112%, यानी 112/100। ये दोनों बराबर हो जाएगा। 100 से 100 आप जैसे ही कैंसिल करेंगे बच्चों, यहाँ से आप देखिए 16 से डिवाइड करिए, 16 * 96 होता है 16 * 7 = 112, यानी कि x डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू 7/6। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से सीधे सीधे आपको ये बात समझ आ रहा होगा कि बड़ी संख्या आपका 7 है तो छोटी संख्या 6 के रेशियो में होगा। कहने का मतलब ये है, अगर हम इसे मान लें 7a और इसे मान लें 6a, तो 7 और 6 = 13, 13a बराबर हो जाएगा 520। क्या कह रहा है? कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 520 है, हमने इन दोनों को जोड़ दिया तो a का मान, यानी कि जो रेशियो है उसका मान 13 * 4 = 42 आएगा। बच्चों बड़ी संख्या आपकी जो है 7a है, 7a बराबर हो जाएगा 7 * 40 = 280। किंतु आपसे पूछा जा रहा है छोटी संख्या बताइए, यानी 6a = 6 * 40 = 240। तो मेरे सभी प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बी। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे ध्यान से देखिए आप सभी लोग, ऑप्शन नीचे थोड़ी सी मिसिंग है ना, तो इस ऑप्शन को मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ये जो सी वाला ऑप्शन है बच्चे, ये 38 * 1/13% है, और जो डी वाला ऑप्शन है वो है 29 * 3/13%, है ना, तो आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। चलिए यहां से क्वेश्चन है इंग्लिश और हिंदी दोनों में, सब ध्यान दीजिए। तो चलिए क्या कहता है, राघवन परचेज अ स्कूटर एट 13/15 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस एंड सोल्ड इट एट 12% मोर देन इट्स सेलिंग प्राइस, हिज गेन इज, मतलब ये हुआ कि राघवन किसी एक स्कूटर खरीदता है और उसके विक्रय मूल्य के 13/15 पर खरीदता है। क्या खरीदता है बच्चों? वो विक्रय मूल्य के 13/15 पर खरीदता है और उसे 12% उसे विक्रय मूल्य के 12% लाभ पर वो बेच देता है। तो कहता है कि उसका कितना प्रॉफिट हुआ, उसका कितना प्रॉफिट हुआ। तो बच्चों अगर 13/15 की बात करें, 13/15 की बात करें, मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ, कोई भी संख्या अगर भिन्न में लिखी रहती है तो जो नीचे का मान होता है वो मूल मान होता है, यानी कि मूल मान यानी विक्रय मूल्य यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पे विक्रय मूल्य से कंपेयर कराया जा रहा है। विक्रय मूल्य आपका 15 हो जाएगा, तो ये जो 13 है ये आपका खरीदा हुआ मूल्य यानी कि क्रय मूल्य आप इसे लिख सकते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों? इसे आप लिख सकते हैं क्रय मूल्य, क्योंकि 15 का जो 13 है ना उसमें यह खरीदा गया है, यानी कि 13 हमें खरीदा गया, 15 इसका विक्रय मूल्य था। तो अगर इसको देखिए, यहां से जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बताना चाह रहा हूं, मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में हम बहुत ज्यादा बेसिक से करते हैं तो हमारा समय बहुत ज्यादा जाता है, जिसकी वजह से हमारा टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है, और यही वजह है कि बच्चे कुछ क्वेश्चंस में फंस करके रह जाते हैं और फिर पूरा का पूरा टाइम वेस्ट कर देते हैं और बाकी इजी क्वेश्चन जो होते हैं उनके छूट जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने का मैं आपको एक जो नया पैटर्न, नया तरीका सिखाना चाह रहा हूँ, उस चीज को ऑब्जर्व करिए। बेसिक से अगर हम लगाएंगे तो बेसिक से हम इसको 15x और 13x मानेंगे। क्या मानेंगे? इसको मानेंगे विक्रय मूल्य 15x और क्रय मूल्य मानेंगे 13x। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपके प्रश्न का उत्तर प्रतिशत में पूछे, प्रश्न का उत्तर प्रतिशत में पूछे, तो ऐसे केस में आप अपने मन से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। यानी कि अगर आप इस 15 को चाहे तो 1500 ले सकते हैं और इस 13 को चाहे तो 1300 ले सकते हैं। बच्चों अगर कोई भी वस्तु की कीमत 1500 रुपए है और आप 1300 रुपए में खरीदते हैं तो आपका क्रय मूल्य होगा 1300, और आपका जो विक्रय यानी कि जो आपका सेलिंग प्राइस है, ये तो वस्तु का विक्रय मूल्य है, बट आपका जो सेलिंग प्राइस होगा, आप 1500 का 12% लाभ लेकर के बेचते हैं, यानी कि
1500 का 12% अगर मैं निकालूं तो बच्चों ये हो जाएगा 180। क्या हो जाएगा मेरे भाई? ये हो जाएगा 180। 15 × 12 = 180। अब 180 रुपए 1500 से बढ़ा करके बेचा जा रहा है, यानी कि वास्तविक सेलिंग प्राइस जो आपका होगा वो हो जाएगा 1680। अब बेटा जब 1300 रुपए में कोई वस्तु आप खरीदते हैं, 1680 में आप बेचते हैं, तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो होगा 380। क्या होगा? 380। तो प्रॉफिट परसेंट आपको निकालने के लिए 380 डिवाइडेड बाय 1300। 1300 क्यों? क्योंकि आपका क्रय मूल्य 1300 है। प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रॉफिट आपका 380 है, सीपी आपका 1300 है, गुणा में 100। दो जीरो बेटे यहां से कैंसिल करो और 13 से भाग दे दोगे तो 13 × 26 आपका बचेगा 12 और 0 120। 13 × 117 29 सही 3/13% इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 29 सही 13/15 आपका डी ऑप्शन में पड़ा हुआ है। तो इस तरह से इस प्रश्न को आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए 13x 15 ऐसे भी आप कर सकते हैं, बट होता क्या है इसमें होता क्या है कि दशमलव में चीजें आने लगेंगी। जब दशमलव में आती हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक प्रेशर बढ़ने लगता है, और जब चीजें दशमलव में नहीं रहती हैं, कैलकुलेशन इजी रहता है, तो हम फटाफट उसको कैलकुलेट करते चले जाते हैं। यही वजह है कि मैं इसको 1300 और 1500 से लेने की बात कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, चलिए हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइए प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? 31,250 रुपए की धनराशि पर 12% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज को 8 माह के आधार पर संयोजित किया जाए। ध्यान दीजिएगा, ये जो संयोजित करने वाला जो शब्द होता है ना बेटे, इसका मतलब है 8-8 महीने में ब्याज को लिया जाएगा। 8-8 महीने में ब्याज को लिया जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? ब्याज पर ब्याज। जब वार्षिक रूप से संयोजित होता है बच्चों, तो वैसे केस में क्या होता है, साल भर का ब्याज जब मिल जाता है मूलधन में जोड़ देते हैं, और फिर अगले वर्ष यानी दूसरे वर्ष के लिए उस ब्याज और मूलधन दोनों पर ब्याज मिलता है। लेकिन इस प्रश्न में 8 माह पर संयोजित होता है, मतलब 8-8 महीने का आपका स्लॉट बनेगा टाइम का। तो देखते हैं 8-8 महीने का कितना स्लॉट बनता है। तो बच्चों यहाँ पे समय 2 वर्ष है, 2 वर्ष बराबर असल में होगा पूरा का पूरा 24 माह। जब 24 माह को 8-8 माह में आप डिवाइड करेंगे बच्चों, तो 24/8 = 3 आएगा, यानी कि टी का मान आपका क्या हो जाएगा बच्चा? 3 हो जाएगा। टी का मान 3 हो जाएगा। और जब ध्यान दीजिएगा, जब 8 महीने में ब्याज संयोजित होगा तो ब्याज प्रतिशत भी 8 महीने के हिसाब से ही रखा जाएगा। ये जो 12% है, ये 12% पर एनम है, यानी कि 12 महीने में 12% 12 महीने में 12%। तो बेटा 1 माह में 1% होगा और 8 माह में कितना होगा 8% होगा। तो एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, टी का मान 3 हो जाएगा और आर का मान हो जाएगा बच्चों 8%। ये दो बातें जिस बच्चे को समझ आ गया, समझ लीजिए उसके लिए इस सवाल में कुछ भी नहीं है, क्योंकि है तो वैसे ये बेसिक क्वेश्चन, लेकिन हमें इसको चेंज करने में अगर कठिनाई होगी, हम टाइम लगाएंगे, तो या फिर हम नहीं चेंज कर पाएंगे, तब हम इस प्रश्न में पढ़ सकते हैं। लेकिन ऐसे प्रश्न अब नए पैटर्न पर पूछे जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों याद रखिएगा, जब अगर हमें उसी पुराने पूछे गए प्रश्नों को अगर हमें कठिन बनाना होता है तो कुछ नहीं किया जाता है, बस इसी तरह के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट चेंज कर दिए जाते हैं, डेवलप किए जाते हैं। तो आपको इस तरह से अब सोचना शुरू कर देना चाहिए ताकि आप अपने एग्जाम को बेहतर बना सके। तो बच्चों यहाँ पे हमारा टी का मान 3 है और आर का मान 8 है। मैं एक बार फिर से इस बात को समझा देना चाहता हूँ। देखिए 8 माह में जब ब्याज संयोजित होता है तो हमें 8-8 महीने का टाइम स्लॉट बनाना पड़ेगा, यानी टोटल हमें 24 माह तक ब्याज हमने लिया है। 24 माह तक ब्याज लिया है तो 3 बार हमें ब्याज संयोजित करना पड़ेगा, यानी कि 24 में 8 का भाग दिए तो 3 बार 8 माह आया। कितनी बार आया? 3 बार। तो टाइम हो गया 3।
जब ध्यान दीजिएगा, जब छमाही तिमाही यानी कि जब समय को डिस्टर्ब किया जाता है, जब समय का स्लॉट बनाया जाता है, तो उसी रेशियो में आपका जो ब्याज प्रतिशत होता है उसे भी कम करना पड़ता है। यानी 12% अगर वार्षिक है तो 8 महीने में कितना ब्याज आपको मिलेगा बेटे? 8 महीने में 8% मिलेगा। क्यों? क्योंकि 12 माह यानी एक वर्ष में 12%, यानी 12 माह में 12%, तो 12 माह में 12%, 8 माह में 8%, इट्स वेरी सिंपल। सो गाइस, अगर मैं इन दोनों चीजों का यूज करूं तो हमारे प्रश्न का उत्तर बहुत आसानी से आ जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है मुझे, हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो सीआई का फॉर्मूला होता है बच्चों पी इंटू 1+R/100 पावर में कितना होता है टी, और यहाँ पे माइनस पी करना पड़ता है क्योंकि हम निकालने जा रहे हैं सीआई। This is amount and this is principal. So amount minus principal is called compound interest. So guys, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे P की, तो एक काम करते हैं हम P को direct common ही ले लेते हैं। यानी कि P को जब हम common ले लेंगे तो ये हमारा formula बनेगा 1+R/100 power में T -1, यही बनेगा। तो value रखते हैं 31,250 multiply by, तो बेटा 1+R/100, R की वैल्यू है 8%, तो आप लिखेंगे 1+8/100 और इसको हम यहाँ पे ब्रैकेट बड़ा वाला लिखिए -1। तो जरा इसे सॉल्व करिए, तो ये हो जाएगा 31,250 मल्टीप्लाई बाई, अब इसको जरा सॉल्व करिए, 4 × 8 और ये काटेंगे तो 25 है क्या? 25 × 2 = 27। अब पावर बेटे यहाँ पे 3 होगा, इस बात का ध्यान देना क्योंकि टी का मान 3 है। तो अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 27 × 27 × 27 डिवाइडेड बाई, अब ये हो जाएगा 25 × 25 × 25 और -1। अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तभी जाकर हमारी वैल्यू निकलेगी। बट यहाँ पे हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए वैल्यू हमारी क्या आएगी, 31,250 × 25। अब बेटे 25 25 25 इसका अगर क्यूब करेंगे, इसका क्यूब करेंगे तो 25 का क्यूब होता है 15,625। लेकिन 27 का क्यूब अगर हम निकालें, 27 का क्यूब अगर हम निकालें तो बच्चों देखते हैं 27 का क्यूब क्या होगा। 27 का स्क्वायर होता है 729, 27 का स्क्वायर होता है 729 और गुणे में 27 का मल्टीप्लाई करिए तो देखिए जरा आंसर कितना आएगा। तो 27 में अगर हम यहाँ पे हमें गुणा, आपको बता रहा हूँ कैसे फटाफट गुणा किया जाएगा जब इस तरह के केसेस आ जाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाइए और क्रॉस मल्टीप्लाई लिखिए। पहले इकाई इकाई का 7 × 63 हासिल लगा 6, 7 × 14 और 9 × 18 18 × 14 32 32 × 6 38 मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे 3 आएगा हासिल, 7 × 7 49 49 और 4 53 53 और 3 56 हासिल लगा 5। अब देखिए 2 × 7 14 14 और 5 19, अब 19 में यहाँ पूरा का पूरा 19 लिखिए 19,683। तो बेटे 19,683 में जब हम माइनस करेंगे, 15,625 क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो बेटे हम माइनस करेंगे तो 13 में से 5 जाएगा 8 और ये हो जाएगा 7 में से 2 गए 5 और ये हो जाएगा ये 5 है ना, नहीं ये 6 में 6 गए 0 और ये 9 में से 5 गए 4, तो 4,058 आएगा बेटे। ये हो जाएगा 4,058 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 15,625 बेटे। एक बात ध्यान देना, 15,625 से अगर आप इसे भाग देंगे, तो 2 बार आएगा क्योंकि जस्ट इसका डबल ये है। अब 2 का जब हम गुणा यहाँ पे करेंगे तो 2 × 8 = 16, 2 × 5 = 10 = 11 और 2 × 4 = 8, 8,116 रुपया हमारा सही उत्तर होगा। देखिए है तो बड़ा सिंपल सा सवाल, लेकिन हमारा टाइम कितना लगा? हमारा टाइम काफी लगा। यानी कि अब चीजों को देखो बेटा, ये कैलकुलेशन का गेम है, ये कैलकुलेशन का गेम है। आपको इन सब प्रश्नों से कैसे बचना है, एग्जाम में टाइम कैसे सेव करना है, मैं इसके बारे में भी बात करने जा रहा हूँ। ये तो बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन में क्या है, कुछ नहीं, पुराना क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है ना, बिल्कुल बेसिक फार्मूला से रिलेटेड, लेकिन टाइम देखो ज्यादा लगे। अब देखिए इस प्रश्न को मैं आपको एक मेथड से और बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा बच्चे। मेथड नंबर 2 की जब मैं बात करता हूँ तो मैं आपको फ्रैक्शन मेथड बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। हमें एक बात समझ आ जाना चाहिए कि t बराबर यहाँ पे 3, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। अब r का मान जो है बेटे वो है 8%,
8% को मैं भिन्नों में बदलूंगा, फ्रैक्शन में बदलूंगा, तो ये हो जाएगा 2/25। क्या हो जाएगा बच्चे? ये हो जाएगा 2/25। अब ये 2/25 हो गया तो ध्यान दीजिएगा, 2/25 का मतलब हुआ कि 25 अगर हमारा मूलधन है तो उसमें 2 हमारा ब्याज मिलेगा। यानी कि कोई भी अगर 25 रुपया का ब्याज है, 25 रुपया का मूलधन है, तो एक वर्ष में वो 27 रुपया हो जाएगा। ऐसा बेटे 3 बार होगा, ऐसा 3 बार होगा, क्योंकि हमारा समय स्लॉट 3 बार है ना, 25 3 बार 27 बनाएगा। अब यहां से आप आसानी से 25 का क्यूब कर देंगे तो ये हो जाएगा 15625, 15625। अब बेटे 27 का क्यूब करेंगे तो 27 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19600 कितना हो जाएगा, 13। यही आया था, एक बार दोबारा करके मैं देख लेता हूँ। 729 में 27 का जब गुणा करेंगे तो 7 9 63 86 लगा, 7 2 14 18 32 32 38 83 था, ठीक है। तो चलो बच्चों, ये यहाँ पे आपका 83 था, ये 8 था आपका, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब ये आपका मूलधन का काम करेगा और ये आपका क्या काम करेगा, मिश्रधन का काम करेगा। यानी इन दोनों में जो डिफरेंस आएगा बच्चे, वही आपका होगा क्या, वही आपका होगा सीआई। तो सीआई कितना है मेरे प्यारे बच्चों, अगर सीआई कितना है तो देखिए, सीआई में आप जब यहां से करेंगे तो ये 13 में से 5 जाएगा 8 और ये आपका हो जाएगा 7, 7 में से 2 जाएगा 5, 7 में 2 जाएगा 5 हो जाएगा, है ना। और उसके बाद आपका ये 6 हो जाएगा, 6 में से 6 जाएगा 0 और ये 9 में से 5 के 4। देखो, जब 15625 अगर आपका मूलधन होता है तब आपको सीआई मिलता है इतना, लेकिन आपका मूलधन कितना है मेरे भाई, आपका मूलधन है 31250, यानी कि इसका जस्ट डबल। तो जब आप इसमें 2 का गुणा करेंगे तो बेटे इसमें भी 2 का गुणा करना पड़ेगा, इसमें भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। यानी अगर मिश्रधन निकालना है तो ये आंसर होगा, सीआई निकालना है तो ये आंसर होगा, मूलधन निकालना है तो ये आंसर होगा। अब अगर इसे हम गुणा कर दें, 8116 रुपया आपका सही उत्तर होगा, जो कि डी ऑप्शन में पड़ा हुआ है, जो कि डी ऑप्शन में पड़ा हुआ है। तो बेटे इस मेथड का भी आप यूज कर सकते हैं, देख रहे हैं कितना छोटा है, मात्र 3 से 4 लाइन का क्वेश्चन है, वहां पे काफी टाइम टेकन था। तो मैं दोनों मेथड आपको बताया हूँ, आप जिसमें से जो आपको अच्छा लगे आप उसका यूज करिए। आप अपना कैलकुलेशन फास्ट रखिए बेटे, जैसे 27 का क्यूब था तो 27 का क्यूब देखिए हमने मल्टीप्लाई करके कितना फास्ट तरीके से उसका आंसर निकाला है ना। इसी को अगर बहुत बच्चे होते हैं कि गुणा करने में ही टाइम लगा देते हैं तो इन सब सारी चीजों से हमें बचना पड़ेगा और इन सब सारी चीजों का विशेष ध्यान देना पड़ेगा, तब जाकर के एग्जाम हम बेहतर बना पाएंगे, है ना। चलिए हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, चलो कैलो भाई बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 0.4 एंड 0.8 टू द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 13.5 एंड 0.24। बच्चों मैं आपको थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने का तरीका बता दे रहा हूं। थर्ड प्रोपोर्शनल सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए, सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए। और मिडिल प्रोपोर्शन यानी मीन प्रोपोर्शन निकालने का फॉर्मूला आपको बता दे रहा हूं, b is equal to root ac, b is equal to root ac, ध्यान देना। या अगर इस तरह से मैं आपको और सटीक तरीके से लिखवा दे रहा हूं, जो मीन प्रोपोर्शन होता है, जो मीन प्रोपोर्शनल होता है, m is equal to root में ab, root में a, ठीक है। तो बेटे ये बात आप समझ लो, ये बात आप समझ लो, c is equal to b square upon a, ये हो जाएगा थर्ड प्रोपोर्शनल, m is equal to root ab होता है, ये होता है आपका मीन प्रोपोर्शनल। अब इसको आसानी से कैसे समझो, आप देखो जैसे ए बी सी है, तीन चीज है, इसी में से आपको मीन प्रोपोर्शनल और थर्ड प्रोपोर्शनल समझना है, तो आप इसको इस फॉर्म में लिखना, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन बी रेशियो सी। बेटे ये फर्स्ट है, ये सेकंड मतलब मिडिल है, ये मीन है और ये थर्ड है। तो आप यहां से सी की वैल्यू निकाल लेना, तो हमने निकाला तो सी इक्वल टू आया बी स्क्वायर अपॉन ए, हमने बी की वैल्यू निकाली तो ये रूट ए सी आता है, तो मैंने चूंकि ए बी ए ए और बी था तो मैंने ए बी के फॉर्म में यहाँ पे इस तरह से लिख दिया इक्वल टू रूट ए बी, क्योंकि जब भी आपको दिया जाएगा केवल 2 ही वैल्यू दिया जाएगा तो आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने रूट ए बी लिख दिया, क्लियर है ना। तो आइए अब हम बात करते हैं कि इन दोनों के रेशियो की। तो बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे बी की वैल्यू 0.8 है, 0.8 इंटू 0.8 डिवाइडेड बाई 0.4 रेशियो, रूट ए बी यानी कि 13.5 इंटू 0.24। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, इसे हम डिवाइड करेंगे 2, दैट मीन्स ये हो जाएगा 1.6 रेशियो। बेटे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये ओवरऑल 13.5 में
0.24 का आप जब मल्टीप्लाई करेंगे, तब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे आपका आएगा, 3240। तो आपका 3 डिजिट पे डेसिमल लगाना है तो यहाँ पे डेसिमल लगा दिए, तो इस जीरो का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। ओवरऑल आपका आएगा 1.6:1.8। अब देखो 3.24 का स्क्वायर रूट आप आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 324 का वर्गमूल 18 होता है, तो 3.24 का वर्गमूल होगा बेटे 1.8। अब आप जब इसे सॉल्व करें तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो सकता है, 2 से भाग दें, 2 8 16, 2 9 18, 8:9, 8:9 आपका सही उत्तर होगा, यानी इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा होगा सी। क्लियर है बच्चों? हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन नंबर पांच आपका यहां से है, देखिए थोड़ा सा यहां से छूट रहा है, मैं इसको थोड़ा छोटा करूंगा, देखो इसको मैं छोटा करना पड़ रहा है ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से देख सके। मैं ऑप्शन को थोड़ा सा ऊपर लिख दे रहा हूं, देखिए 0.5 है ये, मैं ऑप्शन थोड़ा इधर लिख दूंगा, 0.5 है ये, है ना, और ये 1 kg है, 1 kg है, और 0.75 है, और ये नमा बीज है ना, नमा बीज है। चलिए अब मैं इसको बड़ा कर सकता हूँ, क्योंकि आपका ऑप्शन आपके पास आ गया है। देखिए पर थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा क्वेश्चन छूटने ना पाए, इंग्लिश वाले बच्चे अपना इंग्लिश में देख ले, हिंदी वाले बच्चे हिंदी में देख ले। चलो देखो मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर पांच की अगर बात करूं तो क्या कहता है कि सशन 1.5 किलोग्राम ताजा अंगूर लाया, कितना लाया, 1.5 किलोग्राम। बच्चों ध्यान से समझो, मैं जो तरीका आपको सिखा रहा हूँ लगाने का ना, मैं बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से सिखा रहा हूँ, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सिखा रहा हूँ। मैं आपको यहाँ पढ़ाने नहीं आया हूँ बच्चों, मैं आपको यहाँ पे एग्जाम के नए क्वेश्चंस, नए पैटर्न और शॉर्टकट तरीके आपको सिखा रहा हूँ, जो कि जनरली आप जिसकी वजह से बच्चों के मार्क्स कम हो जाते हैं या फिर अब वो एग्जाम में पूरे क्वेश्चन ही नहीं अटेम्प्ट कर पाते। हमारा पर्पस सिर्फ यहाँ पे यही है, है ना। तो चलिए, सचिन 1.5 किलोग्राम ताजा अंगूर लाया, उसमें पानी और गुदा यानी कि पल्प, वाटर और पल्प, देखो बेटे इसमें कह रहा है वाटर और पल्प का जो रेशियो है, वाटर और जो पल्प का रेशियो है वो 4:1 है, 4:1 है, ध्यान देना। वाटर और पल्प, वाटर और पल्प क्या होता है, गुदा यानी कि जैसे जो गुच्छा टाइप का होता है, जनरली आप सेब खा रहे हैं तो सेब में दो चीजें होती हैं, एक तो गुदा होता है और एक क्या होता है बेटे, वाटर होता है, अंगूर होता है, इन सब चीजों में दो चीजें मिक्स होती हैं, तो पल्प होता है, वाटर होता है। तो वाटर और पल्प का रेशियो स्टार्टिंग में 4:1 था। अब उसके बाद देखिए जो है, सचिन के कुछ शरारती बच्चे थे, कह रहा है उसके नटखट बच्चों ने अंगूर को कुचल दिया जिससे कुछ पानी बर्बाद हो गया, तो अब पानी और गुदा का जो अनुपात है बेटे वो 3:1:3:2 है, यानी कि अब वाटर और पल्प का रेशियो 3:2 हो गया। मैं इसमें एक बात आपको बताना चाहता हूँ जिसके नाम से पूरा का पूरा क्वेश्चन सेकंडों में ऐसे उड़ जाएगा। सुनिए, जब भी फ्रूट्स वगैरह होते हैं बेटे, तो इनको अगर सुखा दिया जाए, या जैसे जिस तरह से इस कहानी में बताया गया है कि उसको कुचल दिया गया जिससे कुछ वाटर यानी कि जूस जिसे कहते हैं निकल गया, बेटे इसमें अगर पानी निकल भी जाता है ना, तो जो उसका पल्प होता है उसकी क्वांटिटी कभी नहीं चेंज होती है, वो उतना का उतना ही रहेगा। जैसे अंगूर को सुखा दीजिए, सेब को सुखवा दीजिए, तो इसमें क्या होगा, उसका वेट कम होगा, जो उसका वेट कम होगा ना, तो वो पानी की वजह से यानी उसमें जो जूस था ना वो वेपराइज हो गया यानी कि निकल गया, जिसकी वजह से उसका वेट कम हुआ है, बट उसका जो पल्प था ना, उसका जो गुदा था ना, वो उतना ही मात्रा में अभी भी मौजूद है। यानी कि इन दोनों रेशियो में जितना मात्रा पहले रेशियो में पल्प का था, उतना ही मात्रा सेकेंड वाले में भी पल्प का होगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। इसका मतलब कि पल्प का जो रेशियो है वो मुझे इक्वल करना पड़ेगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, इट्स नॉट पॉसिबल। तो बेटे यहाँ पे भी हम 2 बनाने की कोशिश करेंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर यहाँ भी और यहाँ भी करेंगे, उससे ये बात क्लियर हो गई कि पहले शुरुआत में 8:2 था, अब 3:2 हो गया। देखो पल्प इक्वल है, वाटर में चेंजिंग आया है, यानी वाटर 8 से 3 हुआ, यानी कमी कितने की हुई, 5 की। 5 की कमी हुई है और 8 और 2 10, यानी ये जो 10 यूनिट है, यानी 10x ले लो, मान लो 8x पानी है, 2x पल्प है, तो बेटे ये जो 10x है ना, ये 10x का मान आपका हो जाएगा 1.5 kg, कितना हो जाएगा बच्चों,
1.5 kg। अब 5x देखो इसमें से कमी हुई है, 5 कमी हुई है तभी तो यहाँ पे 3 हुआ है ना, तो 5x कमी हुई है, 5x की जो कमी हुई है मेरे भाई, 4 × 2 = 8, 4 × 8 = 10, 10 पहले था, 3 × 2 = 5 अब है, यानी कमी कितने की हुई, 5 की। तो बेटे 5 जो कमी हुई पूरी तरह से वो पानी ही तो कम हुआ है, यानी कि आपको निकालना है 5x। तो पहले x का मान निकालिए, तो ये हो जाएगा 1.5 / 10। जब हम बेटे 5x का मान निकालेंगे ये हो जाएगा 1.5 × 5/2, जब बटे में 10, तो 5 × 2 = 10, 2 से भाग देंगे ये हो जाएगा 0.75 kg, 0.75 kg पानी बाहर निकला, 0.75 kg पानी बाहर निकला। तो आइए बच्चों हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। देखो क्वेश्चन नंबर 6 को अब इतना ही इसी साइज पे रहने देते हैं, है ना, क्योंकि एकदम परफेक्ट दिख रहा है। तो चलिए यहां पे देखिए क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। अच्छा ये क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन आपका है जो है पार्टनरशिप का, है ना, साझेदारी का। तो आपके एग्जाम के लिए साझेदारी एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, साझेदारी से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप उनका विशेष तरीके से ध्यान रखें। इस प्रश्न में क्या खूबी है, इस प्रश्न में क्या खास बात है, मैं क्या आपको सिखाना चाहता हूँ, आइए देखते हैं। देखिए बच्चों कहता है ए बी एंड सी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप विद कैपिटल्स इन द रेशियो 5:6:8, 5:6:8 में ए बी सी एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उनकी पूंजी का अनुपात है 5:6:8 का, है ना, यानी कि उनकी पूंजी का अनुपात है 5:6:8 का, 5:6:8 का, ये कैपिटल का रेशियो है, ध्यान दीजिएगा। अब आगे कहता है, आगे कहता है एट द एंड ऑफ द बिजनेस, एट द एंड ऑफ द बिजनेस टर्न दे रिसीव्ड द प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:12, और उसके बाद जब बिजनेस को कंप्लीट करते हैं ये लोग एक टाइम ड्यूरेशन के बाद, तो जो रेशियो जो प्रॉफिट का रेशियो होता है वो 5:3:12 में बढ़ जाता है। फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम फॉर विच दे कंट्रीब्यूटेड देयर कैपिटल्स, यानी कि टाइम का रेशियो बताना है कि जिस टाइम में जितना जितना टाइम के लिए इन्होंने अपना अपना पूंजी लगाया था उस टाइम का रेशियो बताना है। हो सकता है कोई 5 महीने के लिए लगाया हो सकता है कोई साल भर के लिए पैसा लगाया हो सकता है कोई 2 ही महीने के लिए लगाया हो, अक्सर ऐसे ही तो होता है पार्टनरशिप में, बीच में कोई पैसा लगा के पार्टनरशिपिंग कर लेता है, है ना, और कुछ लोग शुरुआत से जुड़े होते हैं। तो बच्चों ध्यान देना, जो लाभ होता है, जो लाभ का अनुपात होता है, जो लाभ का अनुपात होता है वो पूंजियों का अनुपात, पूंजियों का, पूंजियों और पूंजी और समय, पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात, पूंजी और समय के गुणनफल से निकलता है, ध्यान दीजिएगा। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ बच्चों, जो लाभ का अनुपात होता है वो पूंजी और लाभ, पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में बांटा जाता है। सपोज करिए जैसे कि कोई 2 आदमी है, मान लीजिए एक आदमी 1,000 रुपये लगाया और दूसरा आदमी 2,000 रुपये लगाया, एक आदमी 1 साल के लिए पैसा लगाया, दूसरा आदमी 2 साल के लिए पैसा लगाया, तो ये 1 साल के लिए पैसा लगाया तो 1 × 1 = 2, यानी कि इनका जो लाभ होगा वो 1 × 1 = 2 होगा। कैसे, पूंजी समय, देखिए ये पूंजी था ये समय था, ये पूंजी था ये समय था, तो पूंजी गुणे समय के अनुपात में लाभ का अनुपात होता है। यानी कि अगर हम यहां से अब समय का अनुपात निकालें तो समय बराबर होगा लाभ बटे पूंजी का अनुपात, लाभ बटे पूंजी तो लाभ क्या है बेटे, 5, 3 और 12, 5, 3 और 12, इसका मतलब 5, 3 और 12 को हम डिवाइड करेंगे किससे, ये है लाभ का अनुपात, लाभ और बटे में समय, लाभ बटे में पूंजी। जब हमें समय निकालना है तो पूंजी को हम यहां पे लाएंगे, लाभ से डिवाइड करेंगे, तो बच्चे ये हो जाएगा 5/5 / 3/6 / 12/8। मैं बिल्कुल शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, इस बात को समझो भाई, मैं बिल्कुल शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, मुझे आप जानते हैं कि ये मॉडल पेपर है बेटे, यहाँ पे पूरा चैप्टर हम डिस्कस नहीं कर सकते, हम आपको टू दी पॉइंट बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोग इस बात को एकदम बेहतरीन तरीके से सीख लीजिए। 1:1/2 / 3:2, बच्चे यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2:1/3, 2:1/3, यानी पहला ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, देखिए अब ये साइज ठीक है, इसी साइज पे हम लोग डिस्कस करेंगे।
कहता है ए इज थ्राइस एज गुड, बहुत बढ़िया वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छा सवाल है, अगर आप इसे ध्यान से नहीं समझेंगे तो मिस कर जाएंगे। और ध्यान दीजिएगा ये सारे जो प्रश्न मैं ला रहा हूँ ना, एक प्रश्न को आप सीख लेंगे सॉल्व करके तो इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन इजी क्वेश्चन तो ऐसे हो जाएंगे ऐसे, है ना, इजी क्वेश्चन। देखो बेटे जो क्वेश्चन मैं लाया हूँ यहाँ पे उस क्वेश्चन से कम नहीं कुछ तो 50 क्वेश्चन लगेगा, एक क्वेश्चन पे 50 क्वेश्चन का पूरा टाइप यहाँ पे कवर होगा। बस जो कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ उसको पूरा डिटेल में समझने की कोशिश करिए। देखिए मैं यहाँ पे नहीं पढ़ता हूँ, ए बी की तुलना में 3 गुना अच्छा कारीगर है, ध्यान से देखिएगा, ए और बी, ए जो है बी की तुलना में 3 गुना अच्छा कारीगर है, 3 गुना, यानी अगर बी एक काम करता है जितने समय में उतने ही समय में ये 3 काम कर लेता है, यानी ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात है 3:1, जब बी एक काम करता है तो ए इतने में 3 काम कर चुका होता है। अब देखिए ध्यान से समझिए, सी अगर अकेले एक घर को पेंट करने के लिए 48 दिन का समय लेता है, एक साथ काम करते हुए ए बी और सी को उस घर को पेंट करने के लिए 16 दिन का समय लगता है, उस घर को पेंट करने के लिए अकेले बी कितने दिन लेंगे। बहुत बढ़िया बात। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे जो लोग हमारे ऑफलाइन क्लासेस के अंदर उनको बहुत बड़े समझ में आएगा, मैं यहाँ पे एक एक चीजें बहुत डिफाइन कर देता हूँ, बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे 48 दिया है, यहाँ पे 16 दिया है, इन दोनों का रिलेशन देखो 3 गुना का है ना, अगर यहाँ पे सी है यहाँ पे ए बी सी तीनों है तो बेटे यहाँ पे सी सी कॉमन है ना, तो अगर मुझे ए और बी इन दोनों के द्वारा अगर इस घर को पेंट करने का टाइम पूछा जाता तो मैं सीधे यहाँ पे 24 कर देता, यानी 48 बटे में दो। ये शॉर्टकट तरीका है, मैं अपने बच्चों को सिखाता हूँ, फिर भी कोई बात नहीं है, इसको मैं आपको आसानी से डिफाइन करके बता दूं। अगर ये शॉर्टकट तरीके से अगर मुझे यहाँ 24 पता चल जाए तो तुरंत का तुरंत आंसर हो गया बेटे, यहाँ पे 2 सेकंड टाइम ही नहीं लगा, सीधे 24 और गुणा में 2, 3 और 1, 4 आंसर आ गया 96, आंसर आ गया 96। मतलब इतना कठिन सवाल, इतना बड़ा सवाल तो हम देखिए मुश्किल से बेटे हम 2 से 3 सेकंड में कर डाले हैं, बट इस क्वेश्चन को आप प्रॉपरली तभी समझ पाएंगे बेटे जब आप मेहनत की होंगे इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो आइए बच्चों हम फिर से इस क्वेश्चन को करते हैं, समझाते हैं आपको। तो यहाँ से देखें मैं आपको एलसीएम मेथड से ले जा रहा हूँ, ध्यान देखिएगा। तो बेटे ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे देखिए ए प्लस बी प्लस सी ये 16 दिन में करता है और सी 48 दिन में करता है, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए 48 आएगा, यानी कि 16 दिन में अगर 48 काम करना है तो बेटे पर डे 3 काम करना पड़ेगा, 48 दिन में 48 काम करना है तो पर डे 1 काम करना पड़ेगा। अगर सी एक काम करता है यहाँ पे तो इसका मतलब कि ये तीनों मिलकर 3 काम करते हैं, तो 2 काम कौन करता होगा, ए और बी, दो काम कौन करता होगा, ए और बी। जब ए और बी दो काम करते हैं, ध्यान दीजिएगा जब एक दिन में ये दो काम करते हैं तो इन्हें 48 काम करना है, इन्हें 48 काम करना है, यानी कि ए प्लस बी को पूरा 48 काम करने में 48 बटे में 2 यानी कि मेरे भाई 24 दिन का समय लगेगा। अब ये 24 दिन आप यहाँ पर देखिए इतना सब कुछ करने के बाद समझे हैं, और यहाँ पर डायरेक्ट मैं चीजों को समझा रहा था आपको, जब ये इन दोनों का 3 गुना का रिलेशनशिप होता है तो वो अपोज डायरेक्ट आधा हो जाता है। फिलहाल चलिए कोई बात नहीं, यहाँ भी देखिए बच्चों जब ए और बी 24 दिन में किसी काम को करते हैं तो ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 1 काम करता है, तो दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में 4 काम होगा, और ये 24 दिन तक करते रहते हैं तो पूरा काम कंप्लीट होता है, यानी कि पूरा काम निकालने के लिए हम कहेंगे कि इन दोनों के द्वारा एक दिन में किया गया काम 4 है, और ऐसे ही ये 24 दिन तक करेंगे तो पूरा काम होता है, यानी 96 काम जो है बेटे वो पूरा है। अब इस 96 काम को अकेले बी को करना है, अकेले किसको करना है मेरे भाई, बी को करना है, और बी एक दिन में 1 काम करता है, यानी बी का समय जब निकालेंगे तो पूरे काम बटे एक दिन में किया गया काम बराबर टोटल आपका 96 दिन आंसर आएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। तो बच्चों अगर क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो, तरीके अगर आपको ठीक ठाक समझ आ रहे हो, अगर आपको लगता है कि हाँ इससे आपको बेनिफिट हो रहा है बेहतर तरीके, तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए
मेरा मेरा बेटा मोटिव सिर्फ यही है कि पूरा क्वेश्चन आपको जो है लाने का, देखो ये मॉडल पेपर है, मैं बार बार इस बात को क्यों फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि आप मॉडल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्लास को अटेंड कर रहे होंगे, है ना। और अगर आप जो है स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बच्चे नए वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए तो कोई बेनिफिट नहीं होगा यहाँ पे, है ना, उनके लिए कोई बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन जो बच्चे अगर बढ़िया से मेहनत से पढ़ाई करके कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो उनको तो पूरा का पूरा एकदम जबरदस्त लगेगा और पूरा का पूरा बेनिफिट होगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो कि प्रॉपरली अच्छे से तैयारी नहीं किए होंगे, या बहुत नॉर्मल ही ऐसे ही किताबों से पढ़े होंगे, नॉर्मल इंस्टीट्यूट से पढ़े होंगे, तो उनके लिए काफी समस्या हो रही होगी। तो मैं ऐसे बच्चों से बोलूंगा कि एग्जाम के टाइम अभी आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी जिस मेथड से जैसे आप जानते हो वही तरीका अप्लाई करो। बट बेटे याद रखना कि आपका जो मॉक टेस्ट होना चाहिए उसमें 40 प्लस का एक रेंज होना चाहिए, 40 प्लस का रेंज, है ना, 40 प्लस का रेंज अगर आप घर पे बैठ के करेंगे तो एग्जाम हॉल में नो डाउट 35 प्लस आप कर ले जाएंगे। और आपको पता होना चाहिए मेरिट से कम 4-5 मार्क्स अगर हमारे ज्यादा नहीं रहेंगे तो आप फाइनल मेरिट से बाहर हो जाते हैं। इसलिए बॉर्डर लाइन पे नहीं रहना है, आपको कम से कम 4-5-6 मार्क्स आपको मेरिट से ज्यादा ही रहना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। अ ट्रेन पासेस टू ब्रिजेस ऑफ लेंथ 500 मीटर एंड 250 मीटर इन 100 सेकंड्स एंड 60 सेकंड्स रेस्पेक्टिवली, द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज। भाई बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसी तरह के क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं और बहुत बार पूछे गए आपके एग्जाम में। एक रेलगाड़ी 500 मीटर और 250 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार कर लेती है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। बच्चों मैं आपको आसान सा ट्रिक बता दे रहा हूँ, इसके हेल्प से आप कर लीजिए, बहुत कम समय में आपका हो जाता है। जब ट्रेन की चाल पूछी जाए तो बच्चों ये जो L1 L2 है ना, इन दोनों का डिफरेंस कर दिया करिए, L1 डिफरेंस L2 डिफरेंस यानी माइनस, जो बड़ा है उसमें से छोटा वाला माइनस, डिवाइडेड बाई T1 डिफरेंस T2। ये चाल है। लेकिन जब बेटे अगर ट्रेन की लंबाई पूछी जाए, यहाँ पे मैं ट्रेन की लंबाई लिख दे रहा हूँ, है ना, ट्रेन की जब बेटे लंबाई पूछी जाए तो याद रखिएगा ये होता है L1 डिफरेंस L2 डिवाइडेड बाई T1 डिफरेंस T2 और मल्टीप्लाई बाई, ध्यान देना बच्चों, मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई बाई, अगर आप T1 लिखेंगे तो L1 आपको माइनस करना पड़ेगा, अगर आप यहाँ पे T2 लिखेंगे तो L2 माइनस करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान दीजिए। तो हमें ट्रेन की लंबाई निकालनी है, तो बच्चों L1 माइनस L2, 500 में से 250 माइनस करोगे बच्चों तो ये 250 आएगा, डिवाइड बाई T1 माइनस T2, 100 में से 60 माइनस करोगे बेटे तो 40 सेकंड आएगा, मल्टीप्लाई बाई T1, अगर हम T1 ले लेते हैं तो 100 सेकंड लेंगे, तो चलिए 100 सेकंड ले लेते हैं, तो हमें माइनस करना पड़ेगा L1, तो 500 यहाँ पे मैं माइनस कर देता हूँ, 0 से 0 कैंसिल होगा, 4 से डिवाइड करेंगे बेटे ये 25 आएगा, 25 में 25 का गुणा कर दो 625 माइनस 500 बराबर 125। मेरे भाई 125 मीटर इस ट्रेन की लंबाई होगी। आपने देखा कि कितनी आसानी से, कितना बढ़िया ट्रिकी अप्रोच से आपने इस क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में कर लिया। तो बच्चों अब इस समय आपको इसी चीज की जरूरत है और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको आसान से आसान और बेहतर से बेहतर ट्रिक दूँ जो कि आपके एग्जाम में आपका टाइम सेव करे और आप अपना पेपर अच्छे से देखें, बिल्कुल अपने एग्जाम में सफल हो सके। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपका सामने है, तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूंगा साइज, क्वेश्चन नंबर नौ कहता है, ये एवरेज का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, 44 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत है 144, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 44 क्रमागत क्या होता है, क्रम से, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, ये क्या है बेटे, ये लगातार यानी कि क्रमागत विषम संख्या है। तो क्रमागत विषम संख्याओं, 44 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 144 है। मेरे भाई जब आपको याद रखिए कि ये जो क्रमागत विषम संख्याएं होती है ना, ये समांतर श्रेणी में आती हैं और समांतर श्रेणी का औसत सदैव बीच में होता है। मेरे भाई अगर ये औसत बीच में है तो 44, इसका मतलब कि ये जितनी भी संख्याएं हैं 44 की 44 संख्याएं उसके बीच में होंगी, यानी बेटे अगर 144 औसत है तो इसके पहले वाली आपकी विषम संख्या 143 होगी और इसके बाद वाली विषम संख्या आपकी 145 होगी।
यानी कि 44 संख्याओं में से दो संख्याएं आपकी होंगी तो बिल्कुल बीचों बीच होंगी, 143 और 145। आपको 44 में से ये दो संख्या जब पता चल गई बिल्कुल बीचों बीच, तो आपको आपको जो है 42 संख्या और पता करनी है। 42 संख्या इसके 21 संख्या, इसके इधर 21 संख्या, राइट साइड में 21 संख्या होगी और इसके बैक साइड में 21 संख्या होगी। सबसे छोटी संख्या निकालनी है तो आपको इसके पीछे आना पड़ेगा, सबसे बड़ी संख्या निकालनी है तो इसके आगे जानना पड़ेगा। इसके 145 के आगे 21वीं विषम संख्या, याद रखिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हर दूसरी विषम संख्या पर जाने के लिए दो का मुझे ऐड करना पड़ता है। तो यानी कि अगर 21 भी आगे 21 संख्या आगे जानी है तो मुझे प्लस 2×21 ऐड करना पड़ेगा बच्चों, और आपका सही उत्तर आ जाएगा। यानी कि 145 में 21×42 ऐड कर दीजिए, 5×2=7, 4×4=8, 1। 187 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, 187 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बच्चों इस प्रश्न को सॉल्व करने में मुश्किल से 5 सेकंड लगेंगे, किंतु आपको यहाँ पे समझाने के लिए मुझे 5 सेकंड से बल्कि काफी ज्यादा समय लग रहा है, 1 से 2 मिनट तक का सवाल समय लग जा रहा है। इसका वजह सिर्फ ये है कि हम थोड़ा सा चीजों को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा रूट पर आने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम डायरेक्ट सॉल्यूशन देने लगेंगे, डायरेक्ट हम ट्रिक आप लगाने लगेंगे तो आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा, कुछ ही बच्चों को समझ में आएगा। बट हमारा मोटिव ऐसा नहीं है कि कुछ ही बच्चों को समझ में आए, मेरा मोटिव है कि जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, जितने भी बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, सबका भला हो और सभी बच्चों का अच्छा पेपर हो। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी बच्चे इस बार एग्जाम में जरूर सफल हों। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, अब हम थोड़ा ऑप्शन को यहाँ पे, हाँ ठीक है, चलो अब ठीक है। अभी देखो, ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 10, किसी सम चतुर्भुज की, ये देखो वेन्सरसन का क्वेश्चन है, 2D का, बहुत बढ़िया सवाल है बेटे, देखते हैं इसको। किसी सम चतुर्भुज की भुजा 6.5 सेंटीमीटर है तथा उसका शीर्षलंब 10 सेंटीमीटर है। शीर्षलंब का मतलब ऊंचाई होता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, है ना। यदि उसके एक विकर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर हो तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। बहुत बढ़िया सवाल है, आइए डायग्राम बनाते हैं और फिर आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा। देखिए ये है बेटे आपका समचतुर्भुज, ये क्या है बेटे समचतुर्भुज, इसकी जो भुजा है बेटे वो 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर आपको मालूम होना चाहिए। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। देखिए यहां पे, देखिए जब मैं यहां पे लंब डालूंगा, तो इसी को कहेंगे शीर्षलंब और इसी को कहेंगे ऊंचाई, यानी कि समचतुर्भुज की ऊंचाई ही समचतुर्भुज का शीर्षलंब होता है। इसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर। बेटे आपको ये बात पता होना चाहिए, कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, जैसे कि पैरेललोग्राम की बात करूं, रोम्बस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट, तो बेटे इसका भी एरिया बेस इंटू हाइट होगा। बेस इंटू हाइट यानी कि 10 × 6.5, यानी कि इसका एरिया हो जाएगा बच्चों 65 सेंटीमीटर इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। अब हम बात करेंगे समचतुर्भुज के एक्चुअल क्षेत्रफल के फार्मूले पे, तो आप कहते हैं हाफ डी वन डी टू, यानी कि विकर्णों के गुणनफल का आधा जो है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। तो विकर्णों का गुणनफल हाफ डी वन इंटू डी टू, तो डी वन यहाँ पे दिया हुआ है 26, डी वन यहाँ पे दिया हुआ है 26 और डी टू का मान निकालना है, ये बराबर हो जाएगा 65। बेटे दो से काटोगे तो यहाँ पे 13 आएगा, 13 उधर जाएगा तो 65 को भाग करेगा 5 आएगा, यानी डी टू यानी कि विकर्ण, दूसरे विकर्ण की लंबाई जो हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों 5 सेंटीमीटर, जो कि ए ऑप्शन होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आप सभी बच्चों को बहुत अच्छी लगी होगी और आपने इससे कुछ सीखा होगा। ध्यान रखिएगा बच्चों, मैं फिर से कह रहा हूँ कि बिल्कुल ईमानदारी से मेहनत से पढ़ाई करिए, आप जरूर सफल होंगे। सफलता के लिए बेटे सिर्फ आपको दो चीज की आवश्यकता है, रेगुलरिटी और हार्डवर्क, रेगुलरिटी और हार्डवर्क। जो भी बच्चा इस दो चीज को और साथ ही साथ पेशेंस, तीन चीज, पेशेंस भी याद रखिएगा, इस तीन चीज को जो लेकर के चला बेटे वो कभी भी असफल नहीं हो सकता है। थोड़ा टाइम जरूर लग सकता है बट आपको सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे इस क्लास से काफी कुछ सीखे होंगे और आपके एग्जाम में इस वीडियो का बहुत बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगा। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत। जहाँ सारे शिक्षण संस्थान बंद हैं और विद्यार्थी दुविधा में हैं, आखिर हमारी पढ़ाई कैसे होगी, वही मेजर कलसी क्लासेस लड़ाई में आपके साथ है। आप घर बैठे भी डिफेंस क्षेत्र के सभी आने वाले एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं।
इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से MKC लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा और घर बैठे आप पाएंगे डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, चैप्टर वाइज नोट्स, क्वेश्चन बैंक विद द सॉल्यूशन, कंप्लीट ऑनलाइन टेस्ट, साथ ही साथ असाइनमेंट और प्रॉपर डाउट काउंटर। इस चुनौती को अवसर में बदलना है और हम आपके साथ हैं। तुरंत डाउनलोड करें MKC लर्निंग ऐप। कहते हैं ना, ऑनलाइन पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया।